तो आज मैं आपको कराने वाली हूं एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम और बच्चों में इस बात की आपको गारंटी दे सकती हूं कि जितना मैं आज आपको क्लास में कराने वाली हूं दिस इज मोर देन एनफ अगर जेई मेन में कोई क्वेश्चन आएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप डेफिनेटली डेफिनेटली उस क्वेश्चन को कर कर आओगे और चार नंबर भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जल्दी से बताइए वेदर ऑल ऑफ यू कैन हियर मी ऑर नॉट डरावना लगता नहीं है डरावना है मैम चलो आज हम ये आपका जो मिथ है ना कि मैम ये टॉपिक बड़ा डरावना है देखो मैम ये टॉपिक बड़ा मुश्किल है इस मिथ को मैं दूर करने वाली हूँ आई एम श्योर आज की दो घंटे का आज दो घंटे का लगभग सेशन होगा और आज के दो घंटे के सेशन के बाद यू विल यू नो यूल फॉल इन लव विद विक इक्विलिब्रियम आपको ऐसा लगेगा कि मैम हम ऐसे ही इस टॉपिक से डरते थे ये इतना भी डरावना नहीं है जितना हमने सोच रखा था ओके गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ठीक है मैम आपने फिजिक्स की क्लास कैंसिल कर दिया मैंने फिजिक्स की क्लास कब कैंसिल करी मैं तो सोच रही थी कि आप बच्चों के आज फिजिक्स की सेशन नहीं है ना तो मैं आपका टाइम यूटिलाइज करूंगी ठीक है उसके बारे में भी सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरा नाम है साक्षी वोरा मैं आईआईटी रुड़की की पास आउट हूँ Uh, इसके साथ साथ लेट मी टेल यू आई वॉज अ सी बी एस ई स्टेट टॉपर इन टेंथ एंड ट्वेल्थ वॉज ऑल्सो अवार्डेड विद के वी पी वाई फेलोशिप लास्ट सात साल से बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ और बहुत सारे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आई आई टीज और एन आई टीज में हैं बच्चों दो तीन चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगी बिफोर वी कम टू द टॉपिक मैं फाइनल टॉपिक पर आऊं उससे पहले मैं आपसे दो तीन चीजें डिस्कस करूंगी सबसे पहली चीज तो बच्चों ये है सुनो आज आपका फिजिक्स का सेशन नहीं है ना तो आई थॉट कि मेरे से ना बहुत सारे बच्चे काफ़ी दिन से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं पहला क्वेश्चन कि मैम सिंस सी बी e एस सी के बोर्ड्स की जो अप्रॉक्सीमेट डेट है वो हमें पता चल गई है जेई मेन का भी काफ़ी हमें आइडिया लग गया है अभी न्यूज़ पेपर में आर्टिकल आया था है ना तो मैम नाउ वी आर लिटरली कंफ्यूज कि हम बोर्ड्स को और जेई मेन को कैसे हैंडल करें एंड अभी अभी मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन में बताया कि आई वॉज अ सी बी एस सी स्टेट टॉपर बच्चों तो आई विल मेक श्योर कि जितनी भी मतलब मुझे ऐसी चीजें पता हैं जो जिन चीजों ने मुझे सी में टॉप करने में हेल्प करी थी एट द सेम टाइम आई एम अ पास आउट ऑफ आई टी रूड की तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आप सब बच्चों के साथ साथ शेयर करूंगी ठीक है आज दो स्पेशल क्लासेस मैं लूंगी ठीक है विल कीप देम शॉर्ट एंड क्रिस्प और वहां पर मैं डिस्कस करूंगी कि आप सीबीएसई को जेई मेन के साथ कैसे हैंडल करोगे सीबीएसई में मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं ठीक है थीके? और दूसरी चीज अभी भी आप में से मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम क्या हंड्रेड परसेंट आई मतलब हंड्रेड परसेंट हमें सिलेबस कंप्लीट करके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए सो विल हैव एन ओपन डिस्कशन है ना रिगार्डिंग दीज टू टॉपिक्स टाइमिंग मैंने मैंशन कर दिया एक साढ़े सात बजे है एक साढ़े आठ बजे है इट्स अ फ्री सेशन ठीक है अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स पे कुछ भी ऐसा है कि यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज तो डू लेट मी नो इन दोनों सेशंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी आप डेफिनेटली वहां से इन दोनों सेशन को ज्वाइन कर सकते हो दे आर कंप्लीटली फ्री इसके साथ साथ बच्चों आप अनअकेडमी एटम्स का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो इससे मतलब क्या होता है ना जितनी भी चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी होती है तो इट बिकम्स इजी फॉर मी टू शेयर एवरीथिंग ऑन दिस टेलीग्राम चैनल सो ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल एज वेल ठीक है ओके okay, एंड इस लिंक को कॉपी कर लो अपने ब्राउजर में और बुकमार्क करके रख दो 45 डेज क्रैश कोर्स जो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है इसके साथ साथ द मोस्ट फेमस बाउंस बैक सीरीज जो हमने यहां पर कंप्लीट करी है उसके नोट्स uh, 45 डेज क्रैश कोर्स के नोट्स डीपीपी डीपीपी के सॉल्यूशन सब कुछ आपको इसी लिंक में मिल जाते हैं ठीक है ओके बड़े दिनों बाद चैट में कौन है मैम एक वीडियो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हाँ चौहान श्रेयांश श्रेयांश या वी वी आर यू नो वी आर वर्किंग ऑन दैट थिंग हमने जेई जेई एडवांस के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस आपको कौन सी आईआईटी मिलेगी ये एक वीडियो मैंने निशान सर के साथ लाइव ली थी आप वो देख सकते हो एंड एन में कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज क्या कट ऑफ होती है उसके उसके बारे में लाइक वी आर मेकिंग द एंटायर थिंग है ना तो एक बार हम फुल प्रूफ डेटा इकट्ठा कर ले उसके बाद आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करेंगे डेफिनेटली टाइम लगता है बच्चों है ना लास्ट दो तीन साल का डेटा इकट्ठा करके एनालाइज करके आपके साथ शेयर करेंगे सो डेफिनेटली विल डू दैट डोंट वरी ठीक है चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बट 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 अ रिमाइंडर थिंग एक रिमाइंडर मैं दे देती हूँ यू नो राइट आज नाइनटीन फेब है एंड बच्चों टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस ऑफर बहुत ही प्यारा ऑफर अन ने स्टार्ट किया था जो भी बच्चे 2022 ट्वेंटी हैं अगर आप तीन महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे थे है ना या फिर अगर आप सिक्स मंथ्स का बच्चों सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे थे तो अभी तक टिल डेट अन अकेडमी पर जितने भी ऑफर थे ना उसमें हद से हद 10 या 12 परसेंट आपको डिस्काउंट मिलता था बट बच्चों अभी हाँ ये न्यू ईयर पे दे गेव ट्वेंटी ऑफ डिस्काउंट बट बच्चों पहली बार इतना अच्छा ऑफर कि आपको फोर्टी परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप थ्री या सिक्स मंथ्स का सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हो इट्स अ ग्रेट डील इट्स सुपर ऑसम आप डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इस ऑफर को यूज कर चुके हैं वो बच्चे अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर एनरोल हो चुके हैं अगर आपका प्लान बनता है टिल टूडेज नाइट आज रात तक ये ऑफर वैलिड है आप डेफिनेटली इसको सोचो समझो और अगर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो इसके साथ साथ इसके अलावा मान लो आप एक साल का सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हो डेढ़ साल का ले रहे हो दो साल का ले रहे हो ठीक है इसके अलावा मतलब इन तीन और छे मंथ के अलावा अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो बच्चों इसमें भी बहुत अच्छा डिस्काउंट है आपको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिलता है अगर कल आपका प्लान बनता है सब्सक्रिप्शन खरीदने को तो यू विल बी गेटिंग जस्ट टेन परसेंट डिस्काउंट बट जस्ट फॉर टुडे है ना केवल आज आज के लिए हर सब्सक्रिप्शन में बीस परसेंट तो है ही है प्लस थ्री और सिक्स मंथ्स में आपको फोर्टी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा इफ यू यूज द कोड दैट आई हैव ठीक है ओके मैम चलो करें स्टार्ट करें ये अच्छा एक अनकेडमी लाइट का भी सब्सक्रिप्शन है ये सारी चीजें मैं आपको क्लास के बाद आई मीन क्लास के लास्ट में समझाऊंगी आज वापिस से ऑफलाइन वाली फील आने वाली है काफी स्लाइड्स मेरी हैंड रिटर्न स्लाइड्स हैं ठीक है थीक्या? आ, तो कुछ हैंड रिटर्न स्लाइड से पढ़ेंगे और जो बाकी की चीजें हैं मैं खुद से लिख लिख कर आपको बताऊंगी मैंने लास्ट टाइम भी जब आइनिक पढ़ाया था तो मुझे आइनिक पढ़ाने की लिटरली फील तभी आती है जब हम जब मी एज अ टीचर मैं क्वेश्चन को कर करके दिखाती हूँ आपको तो उससे आपको भी आइडिया लगता है कि अच्छा मैम समझाना क्या चाह रही है और हमें समझना कितना है ना तो एकदम ऑफलाइन वाली फील लेनी है आज हमने क्लास में फटाफट से एक बार चाच में लिख दो मैम रेडी आज जनसंख्या इतनी कम है मैंने पहले ही नहीं कहा था तुम्हें आइनिक टॉपिक ही ऐसा है कि बच्चे ऐसे दूर से भाग जाते हैं ना 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 मैम हम आइनिक नहीं पढ़ सकते हैं जनसंख्या देख लो <laughs> सही है मतलब तुम्हारा कंपटीशन यहीं पे खत्म हो जाता है आदो, आदो का तो आधे बच्चे तो वही आते ही नहीं है आइनिक का टॉपिक है ये तो हम छोड़ के जा रहे हैं अब तुम देखना इतने आसान तरीके से आइनिक हम करेंगे कि यू विल बी लाइक मैम बढ़िया था कि हमने छोड़ा नहीं और हम आज क्लास अटेंड कर रहे हैं रेडी 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 लेट गो बहुत बढ़िया चलो बच्चा लेट्स गो स्टार्ट करते हैं ठीक है बच्चों सबसे पहला टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम में जिसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो टॉपिक है अबाउट द एसिड्स एंड बेसिस बड़ी सारी डेफिनेशन दी गई कि एसिड किसको कहते हैं बेस किसको कहते हैं तो आज सबको शॉर्ट में सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाती हूँ पहले जो हमारे साइंटिस्ट आए ठीक है थीके? केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक को स्ट्रेच करूंगी तो रबर बैंड की तरह बहुत स्ट्रेच हो सकता है आयनिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा टॉपिक है बट हम लोग मेक श्योर sure करेंगे कि जेई मेन के दायरे में रहे इससे बाहर अभी हम स्टेप नहीं करेंगे ठीक है बच्चों पहला टॉपिक है अरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस अरहेनियस ने क्या कहा कहते कि देखो एसिड वो है जो पानी में एच प्लस आइंस दे दे बेस वो है जो पानी में ओ OH एच माइनस आइंस दे दे बच्चों अरहेनियस ने कहा पानी होना जरूरी है अगर कोई चीज पानी में H प्लस आयन देगा उसको एसिड कहेंगे कोई चीज पानी में OH एच माइनस आयन देगा उसको क्या कहेंगे बेस फॉर एग्जाम्पल जैसे H2SO4 रिप्लेसेबल H2SO4 हाइड्रोजन है कितने H प्लस को आप बाहर निकाल सकते हो दो को तो H2SO4 एक एसिड है इसको अरहेनियस एसिड बोलेंगे और किसी भी एसिड के लिए आप कितने H प्लस निकलवा सकते हो कितने H प्लस रिप्लेस कर सकते हो उसको उस एसिड की क्या बोलते हैं बेसिसिटी समझे एसिड के लिए बेसिसिटी बेस के लिए एसिडिटी समझ गए बेसिसिटी acid जैसे ये बी एच ट्वाइस है इसको पानी में डालेंगे ये माइनस OH देगा तो ये क्या हो गया अरहेनियस बेस ये पानी में डालने के बाद कितने ओ एच माइनस आइंस देगा या इसके कितने OH oh- signs को आप रिप्लेस कर सकते हो दो इसीलिए इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी 2 समझ गए ये सारी कहानी ये कभी-कभी पूछा जा सकता है अच्छा इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट जिसको बच्चे मिस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कांसेप्ट है आपने फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के बारे में सुना होगा बच्चों ये जेई मेन का पूछा हुआ सवाल है ये जेई मेन 2018 का पूछा हुआ सवाल है मैं थ्योरी की फॉर्म में आपको करा रही हूं ये इनऑर्गेनिक का है ठीक है बट इसका कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में आता है तो सिखा रही हूँ तीन एसिड है एक एच थ्री पीओ फोर एच थ्री पीओ थ्री एच थ्री टू अभी जैसे ही हम पी ब्लॉक करेंगे मैं आपको स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाऊंगी बट मेरे ख्याल से मेरे काफी ऐसे आइटम्स ने स्ट्रक्चर्स बनाने सीख रखे हैं तो पी जैसे ही फॉस्फोरस दिखाई दे एक पी डबल बॉन्ड ओ और एक ओ OH एच लगा दिया करो है ना कितने ओ एच एक दो तीन अब यहां पर कितने है? एक डबल बॉन्ड ओ लगाना फिक्स है एक ओ लगा एच लगाना बॉन्ड ओ लगाना फिक्स है एक ओ एच लगाना फिक्स है. लगा दो जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है ना बच्चों वो रिप्लेस कर सकते हैं यहां कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है तीन तो इस एसिड की बेसिसिटी कितनी तीन यहां पर हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है दो तो इस एसिड की बेसिसिटी कितनी बच्चों दो जबकि लिखा हुआ होता है एच थ्री पीओ थ्री बट समझ जाओ इट इज अ डाई बेसिक एसिड सिमिलरली एच थ्री पीओ टू में कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है एक तो इसकी बेसिसिटी कितनी एक ये जेई मेन दो हजार अठारह का पूछा हुआ सवाल है आई थॉट आपको ये समझाना चाहिए ठीक है अरहेनियस के बारे में अगर कुछ पूछेगा तो वो इसी स्लाइड में है इससे ज्यादा जेई मेन में आपसे नहीं पूछा जाएगा

कहता है कि बच्चों एसिड वो होगा जो H प्लस रिलीज करेगा बेस वो होगा जो H प्लस गेन करेगा एसिड कौन पहले वाले ने एच प्लस और OH की कहानी खेली उसको गोली मारो एसिड वो जो H प्लस देगा बेस वो जो H प्लस लेगा देना लेना किसका H प्लस का एग्जाम्पल देखो जैसे ये एसिटिक एसिड है इसको आपने पानी में डाला बच्चों तुम्हें पता है एसिटिक एसिड को पानी में डालो ना एसिटिक एसिड अपना H प्लस देगा तो जो अपना एच प्लस देगा उसको बोलेंगे ब्रॉन्सटेड एसिड और ये जो पानी है ना इसको जबरदस्ती इसका छूटा हुआ एच प्लस लेना पड़ेगा तो पानी किसमें कन्वर्ट हो गया एच थ्री ओ प्लस क्या ये बात सबको समझ आई वापिस एक बार बोर्ड पे देखो इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं आपके पास है एसिटिक एसिड सी एच थ्री एच आपने इसमें डाला पानी ध्यान से समझना ये बन गया सी एच थ्री माइनस और जो H प्लस एसिटिक एसिड ने छोड़ा उसको गेन किसने किया पानी ने तो क्या बन गया एच थ्री ओ प्लस समझो जिसने H प्लस छोड़ा इसको बोलेंगे, जिसने H लिया, इसको बोलेंगे बेस ये बात सबको समझ आई कौन सा एसिड ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा एसिड कौन, कौन सा बेस ब्रोंस्टेड बेस समझ गए सुनो 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 इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान से देखो अगर एसिटिक एसिड ने H प्लस छोड़ा छोड़ने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया एसिटेट आयन और इस एसिटेट आयन को बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस बेस किसका इस एसिड का वापस से सुनो ये ब्रॉन्स्टेट बेस था जब इसने H प्लस गेन कर लिया ये किस में कन्वर्ट हो गया एच थ्री ओ प्लस में तो ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड और बच्चों यहां से एक नई चीज आपको पता चलती है कि जो कॉन्जुगेट एसिड बेस होते हैं जो पेयर होता है इनके अंदर केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है इनके अंदर किसका डिफरेंस होता है केवल एक प्रोटॉन का फॉर एग्जाम्पल पानी ये अगर बेस था तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा एच सीओ पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड इन दोनों में किसका डिफरेंस केवल एक एच प्लस का ऐसे क्वेश्चन जेई मेन में पूछे जाते हैं आपको 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था है ना वो भी मैं कराती हूँ कि एक दे रखा था फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो जेई मेन दो का क्वेश्चन करा रही हूँ कह रहा था एच माइनस ध्यान से समझना अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा सुनो तो इसका कॉन्जुगेट बेस लिखकर बताओ अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा एसिड क्या होता है प्रोटॉन डोनर, तो ये प्लस रिलीज कर देगा क्या बन जाएगा SO4, 2 तो अगर ये बेस तो की तरह बिहेव करेगा सपोज ये बेस की तरह बिहेव करता है तो बेस क्या होता है प्रोटोन एक्सेप्टर तो अब जो नई चीज बनेगी वो क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड समझे कॉन्जुगेट एसिड बेस की कहानी सबको अच्छे से क्लियर हो गई है दिस इज क्लियर टू वेरी गुड मैम प्लीज ब्लैक स्लाइड पे किया करो ब्लैक स्लाइड वाले नोट्स में नहीं आते अरे 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 बच्चों तुम ऐसा क्यों सोचते हो मैम तुम्हारे बारे में सोचती नहीं है ये सब कुछ लिख रखा है ये सब कुछ लिख रखा है जो जो चीजें स्लाइड में है वो ब्लैक स्लाइड्स पे अगर कुछ भी पढ़ाऊंगी वो आपको नोट्स में मिल जाएगा टेंशन मत लो ठीक है ओके डोंट वरी वो सारी चीजें नोट्स में आपको मिल जाएंगी बट मुझे समझाते समझाते Uh, मेरे को मतलब ये लिखी हुई चीज को समझाने में फील नहीं आती है जब मैं खुद से समझाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ इसीलिए मैं ब्लैक फिर समझा देती हूँ अदरवाइज सब कुछ नोट्स में आपको मिल जाएगा ठीक है अच्छा जल्दी से एक चीज करके बताओ अगर आपके पास अमोनिया है और अगर आपके पास पानी है ठीक है मैम कब कौन प्रोटोन गेन करेगा कब कौन प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा है ना मतलब रिलीज uh, करेगा वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे आ जाएंगी ठीक है तो बड़े ध्यान से देखो ये जो अमोनिया है ना ये बन जाएगा एनएच फोर पॉजिटिव और पानी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ओ एच माइनस अब मुझे एसिड बेस लिख के बताओ इस रिएक्शन के लिए एसिड बेस देखो एसिड क्या होता है प्रोटॉन डोनर और यहां पर वाटर जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो एसिड और एसिड ने जब एच प्लस डोनेट कर दिया ये क्या कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस समझे अमोनिया ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा बेस और प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट एसिड बेस के अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से कर पाओगे उसमें कोई टेंशन नहीं है ठीक है अच्छा बच्चों इसके बाद ना एक और थियोरी आती है जिसका हम आ, फिजिकल केमिस्ट्री में बिल्कुल जीरो परसेंट यूज है हम फिजिकल केमिस्ट्री में इसको यूज नहीं करते ये जो पूरी की पूरी थियोरी है आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो ठीक है और इसी थियोरी को हम इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं अभी जब मैं कराऊंगी ना बैक बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग तब मैं ये सारी चीजें अपने आप से करा दूंगी डोंट वरी ठीक है यहां पर होता है Lewis concept of acid and base. Lewis कहता है ऑफ एसिड एंड बेस कहता कि देखो भाई जो तो लोन को, लोन पेयर पेयर को को डोनेट करे उसको बोलेंगे ल्यूस बेस अगर कोई चीज लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है तो उसको बोलेंगे ल्यूज एसिड दैट्स इट इतना ही पता होना चाहिए इससे ज्यादा हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं पूछा जाएगा आप इसके लिए चिल मार सकते हो ठीक है ये ज्यादा नहीं पूछा जाएगा बच्चों में एक नई चीज बताती हूं सुनो मेरी बात मैं तुम्हें ना अब आपको दिमाग में हर बार ये सोचना पड़ेगा मैम हम कब ब्रॉन्सटेड लोरी कॉन्सेप्ट कंसीडर करेंगे कब अरहेनियस कंसीडर करेंगे कब ल्यूइस कॉन्सेप्ट कंसीडर करेंगे इसमें कंफ्यूजन होती है हम एक नई थियोरी डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं महा थियोरी ऑफ एसिड एंड बेस भाई साहब वो कहते हैं ना एक बड़ी सी थियोरी है ना इसमें सब कुछ आई मैंने कुछ नहीं किया ये थ्योरी मैंने नहीं बनाई ये थ्योरी किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाई जितने साइंटिस्टों ने थियोरी दी थी ना मैंने सारी थियोरी को एक जगह डब्बे में डाल दिया इसको बोलते हैं महाथियरी ऑफ एसिड एंड बेस ध्यान से समझो एसिड कौन होता है एसिड होता है जो एच प्लस को डोनेट करे है ना या फिर जो प्रोटोन को डोनेट करे यही तो होता है देखो अरहेनियस कहता है एसिड कौन जो एच प्लस को डोनेट करेगा एसिड फिर ब्रॉन्सोरी कहता है एसिड कौन जो प्रोटोन को डोनेट करेगा और ल्यूइस का कहता है एसिड वो जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो इन शॉर्ट बोल दो अगर कोई ओ OH माइनस को एक्सेप्ट करे और एच प्लस को डोनेट करे वो क्या कहलाएगा एसिड याद कर लो समझ लो इंपॉर्टेंट है एसिड कौन जो एच प्लस दे या ओ OH माइनस ले ऑन द अदर हैंड बेस कौन बेस कौन जो ओ एच माइनस दे या एच प्लस ले क्या ये बात दो चीजें सबको समझ आ गई पहले मेरे को चैट्स में लिख के बताओ ये दोनों चीजें लिखो सब लिखो एसिड कौन? गॉन प्लस दे एच OH प्लस ले।, OH ले ये चार छोटे छोटे पॉइंट्स मुझे एक बार चैट्स में लिख दो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है ठीक है मैम बाकी चैप्टर्स की भी ऐसे ही स्लाइड बनाया करो अच्छा ऐसी वाली तुम्हें पसंद है पहले मैं इसी वाली हैंड रिटर्न स्लाइड्स भी बना के पढ़ाती थी फिर कई बच्चे बाद में है ना वीडियो के बाद में लिखते थे कि मैम आपकी हैंड राइटिंग में यह समझ नहीं आया था तो इसलिए मैंने टाइप करानी शुरू कर दी है ना मेरे को तो ये अच्छा लगता है भाई जो लिखा है वो पता ही है नहीं तो पहले टाइप करवाओ फिर क्रॉस चेक करो उसमें बड़ी मेहनत लगती है बट ठीक है फिर वो थोड़ा वो हो जाता है ठीक है वेरी गुड लिख डाला अच्छा टैटू बना डाला बढ़िया एसिड कौन जो एक्स प्लस दे ओ एक्स माइनस ले बेस कौन जो ओ एच माइनस दे एच प्लस ले समझ गए ये छोटी सी कहानी सबको अच्छे से समझ आ गई होगी क्लियर है ये ठीक है अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे वो आप कर लोगे उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है वो बहुत सिंपल आएंगे बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना था अब बच्चों मैं फाइनली है ना स्टार्ट कर रही हूं अपना आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर सोच समझ के आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर हम पढ़ेंगे ध्यान से देखो सबसे पहले बच्चों में आपको एक बात बताती हूँ जो पानी होता है ना इसको गोली मारो मैं अपने आप से समझाती हूं जो पानी होता है ना पानी वो एक वीक एसिड एज वेल एज एक वीक बेस की तरह बिहेव कर सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पानी है इसमें एक और पानी का मॉलिक्यूल डाला ठीक है पानी लिक्विड होता है ये लिक्विड होता है मैंने कहा मान लो ये वाला जो पानी है वो H प्लस को डोनेट कर रहा है क्या बन गया H प्लस प्लस ओ एच माइनस अब H+ अकेला एक्जिस्ट कर नहीं सकता, तो ये इस पानी के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा जो है वो एक वीक एसिड होता है या आप इसको एक वीक बेस भी बोल सकते हो अच्छा बच्चों बड़े ध्यान से देखना पानी जो होता है ना वो सेल्फ आयोनाइ होता है पानी क्या होता है ये क्या गया है ना पानी जो होता है ना बच्चों उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन पानी खुद से आयोनाइज होता है आयोनाइज होने का मतलब मैंने थर्मोकेमिस्ट्री में सिखाया था याद है खुद से वो आयंस में डिसोसिएट होता है कुछ याद आया पानी जो है वो खुद से आयंस में डिसोसिएट होता है एक बात बताओ दो अलग अलग लिखने की बजाय क्या मैं लिख दू वॉटर लिक्विड डिसोसिएट हो रहा है एच एक प्लस एक्वस में प्लस ओ एच माइनस एक्वस में कोई टेंशन तो नहीं है ये लिख सकते अगर ये एक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है मतलब है ना अगर ये इक्विलिब्रियम वीक एसिड की रिएक्शन आप मान रहे हो तो इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम क्या लिखूंगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एच प्लस एक्वस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मैंने कहा था ना आइनिक इक्विलिब्रियम में सिखाऊंगी कि बच्चों प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन वन होता नहीं है ध्यान से समझना के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो गई एच प्लस इंटू ओ एच माइनस बाई लिक्विड ये इंपॉर्टेंट है समझो आपको पता है प्योर वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर आप निकालो प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम मान लो एक लीटर पानी है तो एक लीटर पानी का मतलब थाउजेंड मिलीलीटर थाउजेंड मिलीलीटर का मतलब थाउजेंड ग्राम अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं गिवन मास मास डिवाइडेड बाय मोलर पानी का और पानी का वॉल्यूम कितना वन लीटर तो पानी की प्योर पानी की जो मोलैरिटी आती है वो आती है मोलर मेन का पूछा हुआ सवाल है तभी बता रही हूँ देखो ये जो पानी की कॉन्सेंट्रेशन है ना ये कुछ वैल्यू रखती है कॉन्स्टेंट है और ये जो के इक्विलिब्रियम था ये भी कॉन्स्टेंट है तो अगर मैं बोलू कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ये किसके इक्वल आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच समझे हो और बच्चों ये जो के इक्विलिब्रियम इनटू पानी की कॉन्सेंट्रेशन होती है ना इसी को हम बोलते हैं के डब्ल्यू दिस इज व्हाट इज कॉल्ड के डब्ल्यू इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इसको क्या बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या ये लॉजिक क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है किसी को कोई टेंशन है तो पूछो आ गया कितनी देर की क्लास है दो घंटे की क्लास है है ना दो घंटे की क्लास है द क्लास विल बी ऑफ टू आवर्स ओके चलिए क्लियर हो गया आगे देखो ये मैंने पूरा करके दिखा दिया है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसको बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर किसको बोलते हैं ये पूरा का पूरा करके दिखा दिया अब बच्चों एक चीज ठीक है वंस अगेन अगर तुम ऐसे बड़ी सी स्लाइड देखोगे तो तुम डर जाओगे कि मैम ये कितना कुछ क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको खुद से समझाने की कोशिश करती हूँ यू विल फील वेरी कंफर्टेबल जब मैं समझाऊंगी धीरे धीरे देखना ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं आपको पता है पानी लिक्विड जो है अभी अभी आपने मेरे को करके दिखाया कि मैम ये एच प्लस एक्वस प्लस ओ एच माइनस एक्वस में कन्वर्ट होता है कोई टेंशन नहीं है ना अब इसी के लिए मैंने के डब्ल्यू क्या लिख दिया एच प्लस एक्वस मल्टीप्लाइड बाय ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों एक बात बताओ जब प्योर पानी होगा तो पानी अगर एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो उतना एच प्लस उतना OH बनेगा. तो प्योर पानी के अंदर है ना प्योर पानी के अंदर क्या मैं बोल दू प्योर वॉटर के अंदर क्या मैं बोल दू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस विल बी सेम एस ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों इसको एक्स लिख लो तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करना के डब्ल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर

तो पता है KW की वैल्यू कितनी पता चली 10 रेस -14. ये हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पता है कई बच्चों को रटा होता है कि मैम पी एच ऑफ पानी सेवन होता है तो वो न्यूट्रल होता है बच्चों गलत चीज है मत रटो पच्चीस डिग्री सी पे के डब्ल्यू की वैल्यू टेन रेस टू दी पावर माइनस फोर्टीन तो एच प्लस की वैल्यू कितनी करके दिखाओ एच माइनस की वैल्यू कितनी इक्वल एंड दैट विल बी अंडर रूट ऑफ टेन रेस्टर माइनस फोर्टीन तो आंसर आ जाता है, या फिर OH ये किसका, किसके होता है? याद रखना है ये केवल 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 तभी पॉसिबल है जब पानी को आपने टू नाइनटी एट कैलविन पे लिया समझ आई ये कहानी एक एक चीज वो बताऊंगी जो जेई मेन में पूछी जा चुकी है या आगे पूछे जाने के चांस है कोई इधर उधर की फालतू बात हम यहां पर नहीं करेंगे एक बात बताओ पानी के आयोनाइ होने के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसी को तो KW कहते हैं एक बार बताओ जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप बॉन्ड को तोड़ ही तो रहे हो डोंट यू थिंक पानी का टूटना बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो पानी जल्दी 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 टूटेगा मतलब के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया मान लो एट लिटिल हाई टेम्परेचर थोड़ा सा टेम्परेचर हाई किया हाई टेम्परेचर समझ रहे हो तो के डब्ल्यू की वैल्यू मान लो हमने एक्सपेरिमेंट किया कितनी आई टेन रेसुदीप माइनस ट्वेल्व उस कंडीशन में पानी के एच प्लस और पानी के ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी टेन रेसुदीपा माइनस सिक्स मोलर ये पॉइंट ये लॉजिक सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ इज दिस लॉजिक क्लियर टू एवरी वन क्या ये लॉजिक सबको अच्छे से समझ आ गया ठीक है क्लियर है अब इसके बाद तो ये बच्चों वाली चीज़ है ये देखो जो भी चीज़ मैं करा रही हूँ ना ब्लैक पे वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है तो उसकी टेंशन मत लेना कि मैम चला गया बस ये ऐसे पढ़ पढ़ के सुनाऊंगी तो फील नहीं आएगी है ना मैथ्स है तो मैथ्स को करके ही देखना चाहिए अब ध्यान से देखो ये बचपन में तुम्हें टीचर्स ने सिखाया होगा ये तो सीखा हुआ है कि अगर पानी में एच प्लस और ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल तो पानी न्यूट्रल अगर एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ओ एच माइनस से तो पानी एसिडिक अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम ओ एच माइनस की ज्यादा तो पानी बेसिक याद आया ठीक है अच्छा एक और देखो क्या मैं लिख दू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस एट इक्वलिब्रियम के कराया था अब हम कुछ लॉग वाली टर्म्स यूज करने वाले हैं पहले मैं आपको लॉग की कुछ बेसिक रूल्स बता देती हूँ ये ट्वेल्थ तक तो आप पढ़ ही चुके होते हो लॉग ए इंटू बी क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए बाई बी क्या होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी और लॉग ए रेस टू दी पार बी क्या होता है बी लॉग ऑफ ए यहां पर हर चीज मैंने टू द बेस टेन ली है याद है ये बच्चों वाली चीजें अब एक नई चीज बच्चों में यहाँ पर डिफाइन करती हूँ ध्यान से देखना आपको पता है पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन अभी अभी आपने ली ना वो कितनी आ रही है जैसे H प्लस एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाली ये आ रही है टेन रेस टू दाइनस सिक्स मूल कभी आएगी दी तो, तो हम एक नई चीज डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं पी P. P का मतलब होता है पोटेंशियल P का मतलब होता है पोटेंस है ना ये आई थिंक ग्रीक वर्ड है इसको पोटेंस बोलते हैं तो हम क्या करते हैं P के आगे जब भी आप कुछ भी लिखोगे इसका मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ दैट थिंग भाई पी के आगे अगर मैंने स्टार बनाया तो दैट मीनस माइनस लॉग ऑफ स्टार पी के आगे मैंने अगर एच लिखा तो दैट मीनस माइनस लॉग ऑफ एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन समझ रहे हो पी के आगे मान लो मैंने के डब्ल्यू लिखा तो इसका क्या मतलब हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू भाई पी के आगे, आगे आप जो भी लिखोगे आप उसका माइनस लॉग ले लोगे ठीक है ना तो अगर मान लो किसी सॉल्यूशन का एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन टेन रेस पर माइनस सिक्स है तो उस सॉल्यूशन का पी एच कैसे निकालेंगे आसान नहीं था इसीलिए मैंने उसको ठीक है टेन रेस टू दि पार माइनस सिक्स कॉन्सेंट्रेशन होगी तो पानी एसिडिक होगा ना हाँ अभी एसिडिक बेसिक में दो तीन चीजें मैं आपको और समझाती हूँ जल्दी से करके बताओ मुझे अभी बताती हूँ वो बच्चों बताना एट टू नाइन एट कैलविन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी टेन रेस टू दी माइनस फोर्टीन तो अगर मैं पी के डब्ल्यू लिखू तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ के दैट मीन माइनस लॉग ऑफ टेन रेस टू दी माइनस फोर्टीन दैट मीन्स फोर्टीन क्या ये बात सबको समझ आई पी केडब्ल्यू की वैल्यू कितनी फोर्टीन ये क्लियर हो गया पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी फोर्टीन क्लियर है कब होगा ये याद रखना है ये नहीं की डब्ल्यू मैम हमेशा ही चौदह होता है अगर टेम्परेचर 298 नाइनटी है तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी 14। अच्छा एक और रिलेशन निकालना सिखाती हूं क्या आप जानते हो के डब्ल्यू की वैल्यू इज नथिंग बट एच प्लस मल्टीप्लाइड बाई ओ एच माइनस अगर मैं आपको बोलूं दोनों साइड लॉग ले लो तो लॉग लेने पे क्या बन जाएगा लॉग ऑफ के डब्ल्यू लॉग ए लॉग ए इंटू बी क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी अभी भी सही है मैंने केवल दोनों जगह लॉग ले लिया अब मैंने आपको कहा दोनों जगह माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद माइनस वन तो देखना माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू क्या कहलाएगा पी केडब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस क्या कहलाएगा पीएच माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस क्या कहलाएगा पीओ एच तो क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए पी एच प्लस पीओ एच की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी के डब्ल्यू और अगर 298 केल्विन पे आप बात कर रहे हो तो पी एच प्लस पीओ एच की वैल्यू कितनी आएगी 14 ये लॉजिक क्लियर हुआ याद रखना है मैं केवल 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 298 केल्विन पे बात कर रही हूं समझे हो 25 डिग्री सी पे मैं बात कर रही हूं कौन कौन अच्छा ये जी जीएम टी देने जा रहे हैं क्या देने जा रहे हो अच्छा यहां तक क्लियर हो गया बातें मत करो यहां तक क्लियर हो गया सबको क्लियर है ठीक है ओके मैम वाटर इज सेल्फ आयोनाइज डेल्टा इज नेगेटिव सेल्फ आयोनाइेशन का मतलब है पानी खुद से टूटता है ठीक है मगर आप देखो ना जब पानी टूटता है तो टेन एच प्लस की कितनी आ रही है? समझो? का क्या मतलब है टेन रेस्ट टू दीपार माइनस सेवन मोल्स इन वन लीटर वॉटर समझ रहे हो एक लीटर पानी में केवल जीरो पॉइंट जीरो 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 वन मोल एच प्लस होते हैं बहुत कम आयनाइजेशन होता है बट आयनाइजेशन होता है ठीक है ठीक है समझ आ गया ना कि भाई एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम है तभी तो हम मान के चलते हैं कि भाई बहुत लेस डिसोसिएशन होता है पानी का मगर होता तो है ऐसे हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे कि नहीं होता होता तो है ठीक है चलिए ये भी चीजें सिखा दी ओ भाई साहब अब ये वो स्लाइड आई है जिसमें कई बच्चों ने मतलब कई बच्चों ने भ्रम अपने अंदर लगा रखा है है ना कई बच्चे यहां से भ्रमित रहते हैं ध्यान से समझना आज मैं आपको सिखाने वाली हूं बच्चों पीएच तो या न्यूट्रल की कैटेगरी में डालने के लिए मेरे पास एक रेंज होती है जो स्टार्ट होती है जीरो से लेकर कहां तक पी के डब्ल्यू तक अगर पीएच जीरो है टू अगर पीएच पी के डब्ल्यू है ये एक रेंज होती है अब ये जो पी के डब्ल्यू का मिड पॉइंट है वहां पर हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन क्या है न्यूट्रल अगर पीकेडब्ल्यू बाई टू से लेस वाली साइड देखोगे तो सॉल्यूशन एसिडिक कहलाएगा ज्यादा वाली साइड देखोगे तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा बेसिक सुनना मेरी कहानी बड़ी प्यारी है यह दोनों चीजें जेई मेन में आपसे टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है दो हजार इक्कीस में देखना अगर मैंने बोला पच्चीस डिग्री सी तो बच्चों रेंज क्या जीरो से चौदह चौदह के बीच वाला पॉइंट क्या सेवन तो सेवन पे पानी क्या पाया जाएगा न्यूट्रल सेवन से कम एसिडिक सेवन से ज्यादा बेसिक ठीक है अब सुनो कई बच्चों समझते हैं कि मैम अगर पीएच सिक्स है तो पानी एसिडिक होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है मानो मैंने आपको बोला बच्चों टेम्परेचर हो गया लेटर से साढ़े तीन सौ कैलविन ठीक है मान के चलो साढ़े तीन सौ थ्री फिफ्टी कैलविन है ठीक है अब पी डब्ल्यू पहले पूछो मान लो मैंने कहा पी के डब्ल्यू कितना है टेन रेसोदी पावर माइनस आई I मीन mean, के डब्ल्यू कितना है टेन रेसोदी पावर माइनस ट्वेल्व तो रेंज क्या होगी जीरो से बारह जीरो से बारह तो मिड पॉइंट क्या छे तो छे पर सॉल्यूशन क्या होगा न्यूट्रल छे से कम वाला एसिडिक छे से ज्यादा वाला बेसिक मतलब अगर आप हाई टेम्परेचर पे बात कर रहे हो तो बच्चों पी एच इज इक्वल टू सेवन इज नॉट न्यूट्रल कंडीशन वो बेसिक रेंज में लाई करेगा अगर आपने हाई टेम्परेचर पर बात करी है समझ आई कहानी ठीक है प्योर वाटर देखो न्यूट्रल होगा क्योंकि उसमें H प्लस और OH एच माइनस इक्वल ही होते हैं प्योर वाटर न्यूट्रल होगा H प्लस और OH माइनस इक्वल है बट उस प्योर वाटर का पीएच क्या होगा ये डिपेंड किस पे करेगा कि आपने प्योर वाटर को कितने टेम्परेचर पे लिया है ठीक है चलो जेई मेन 2020 का एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था फटाफट से जेई मेन 2020 का एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ सोचो समझो और इस क्वेश्चन को करो आज ना थोड़ी थोड़ी थियोरी सिखाऊंगी फिर भर भर के क्वेश्चन करेंगे मतलब आइनिक इक्विलिब्रियम में एक ही चीज है थियोरी तुम्हें आए ना आए बट क्वेश्चन कैसे करने हैं वो लॉजिक क्लियर होना चाहिए फॉर्मूला जो आपने रट रखे हैं उनको यूज कैसे करना है ये क्लियर होना चाहिए तो आई विल ट्राई कि हर टॉपिक के बाद कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूं करके दिखाओ इसका आंसर ये अरे गालियां वालियां मत दो यार चैट्स में है ना क्या हो गया ये कई बच्चे होते हैं तुम्हें पता ही है जो स्पैम करने के लिए ही यहां पर आते हैं है ना इनको पैसे वैसे भी दे रखे होते हैं मैंने सुना है तो कोई बात नहीं गालियां मत दो अपने आप आएंगे चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है देखो एसर्शन कह रहा है द ऑफ वाटर विद इंक्रीज इन इसको बुलाना तो इधर इधर, इधर 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 कह रहा है तू कह रहा है कि पीएच ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बच्चों अगर टेम्परेचर बढ़ेगा लॉजिकली टेम्परेचर बढ़ाया तो पानी जल्दी 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 टूटेगा मतलब के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी पहले के डब्ल्यू की वैल्यू टेन रेस रू थी पर माइनस फोर्टीन थी हो सकता है से तो पी कम हो जाएगा ना पीएच बढ़ेगा थोड़ी ना पीएच कम हो जाएगा तो ये गलत हो गया रिएक्शन OH बच्चों ऐसा थोड़ी ना कि अपने आप पानी तुम देख रहे हो टूटी जा रहा है टूटी जा रहा टूटी जा रहा है और टूटने के बाद एनर्जी रिलीज भी हो रही है जब जब बॉन्ड को तोड़ोगे तो तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी

ध्यान से समझो जल्दबाजी मत करो अपने आप आंसर आएंगे अच्छा बच्चों अब मैं एक चीज कराती हूँ है ना एक एग्जाम्पल करा देते हैं ब्लैंक स्लाइड पे टेंशन मत लेना थियरी आपको लिखी लिखाई मिल जाएगी एक नया टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछता है कि पीएच को कैलकुलेट करके बताओ किसी भी सॉल्यूशन के लिए वो पीएच कैलकुलेट करा सकता है ना स्ट्रांग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्सचर ऑफ वीक एसिड ब्ला ब्ला अब मैं सारे केसेस आपके साथ डिस्कस करती हूं वन बाय वन कोई फॉर्मूला रटेगा नहीं जब तक मैं ना बोलूं ये फॉर्मूला रटो तब तक कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है या फिर मान लो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, है। बच्चों स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जो हंड्रेड परसेंट डिसोसिएट हो जाए स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं जो हंड्रेड परसेंट डिसोसिएट हो जाए ये मैंने पिछली क्लास में कराया था ना जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो 1 100% डिसोसिएशन ठीक है अब मान लो कल को वो बोल रहा है HCl है तो HCl 0.1 मोलर आपने लिया तो ये क्या देगा H+ और Cl- तो ये खत्म हो जाएगा ये बनेगा 0.1 मोलर ये बनेगा 0.1 मोलर अब pH निकालना है तो क्या मैं लिख दूं -log ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन कर लोगे कोई टेंशन तो नहीं है ऐसे आराम से वैल्यू सब्सिट्यूट करके स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए आंसर आ जाएगा ठीक है है आगे देखो कल को वो बोले कि बच्चों ट्वाइस आपको दे रखा है। ध्यान से जीरो पॉइंट वन मोलर है और पूछे कि पी एच निकाल के बताओ अब मैं बताती हूँ बच्चे क्या जल्दबाजी के चक्कर में गलती करते हैं पहले तो नजर आ गया कि मैम ये स्ट्रॉन्ग है स्ट्रांग है तो सोचो कि ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा बढ़िया

बच्चों ये पीओ एच नहीं है ये पीओ एच निकाला तुमने क्योंकि तो ये ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अगर लॉग में पुट करी है आपने पुट करी है ओ एच माइनस तो ये जो निकल के आएगा ये पीओ एच आएगा ना मार्क कराते हैं ये आंसर याद रखो बच्चो पीएच निकालने के लिए चौदह में से पीओ एच को माइनस करना जरूरी है ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप जेई मेन के दिन भूल जाते हो और इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपसे सिंपल क्वेश्चन भी नहीं होते हैं तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना शुरू कर दो क्वेश्चन अपने आप बनते जाएंगे समझ गए ठीक है ये स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे सोल्व करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस कैसे सोल्व करेंगे लेट मी टेक द कॉन्सेप्ट टू लेवल मान लो उसने आपको बोला कि आपके सॉल्यूशन में एच सी एल है जीरो पॉइंट वन मोल आपने एच टू एसओ फोर ले रखा बच्चों कितना 0.2 मोल आपने मान लो एक ले लिया एच ये कितना ले रखा लेटर ले से 0.5 मोल ठीक है और टोटल वॉल्यूम ये कितना ले रखा है लेट अस से ये मोल है मोलैरिटी नहीं मोल दे रखा है और मैंने कहा ये आपने ले रखा 30 ml ये ले रखा 50 ml और ये ले रखा कितना 20 ml मैं पूछ रही हूँ फाइनल सॉल्यूशन की h+ निकाल के बताओ लेट्स से ph निकाल के बताओ मैंने ये बोला तो बच्चों अगर सारे के सारे एसिड होंगे तो सबसे पता करो कितना h+ आ रहा है ये कितना देगा 0.1 मोल 1 h2so4. देगा 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 तो 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 कितना दे देगा? और ये 1 HBR, 1 H देगा, तो तो ये तो मोल के वॉल्यूम, 80 +200। तो 100 ml इसको से कर देना लीटर। पहले molarity निकाल लो H की फिर माइनस लॉग में पुट कर देना आंसर आ जाएगा कहने का मतलब बहुत सारे एसिड्स दे रखे हो तो टोटल एच प्लस ले लो डिवाइडेड बाय टोटल सारे बेस दे रखे हो टोटल ओ OH ले लो है ना डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर दो आंसर आ जाएगा पीओ का समझे हो एक फटाफट से यह सब लिख रखा है टेंशन मत लेना फटाफट से मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाओ है ना ये क्वेश्चन है जेई मेन 2021 का लेट्स सी द लेवल ऑफ क्वेश्चन जो इन्होंने जेई मेन 2021 में पूछा था टाइम लीजिए आंसर करिए जल्दबाजी कोई करेगा नहीं जल्दबाजी करोगे बुरे फंसोगे फिर रोगे कि हाय मैम जल्दबाजी क्यों करी थी टेक योर टाइम इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है आंसर बताइए मैम क्रैश कोर्स तो नहीं चाहिए बट क्या हम फ्री में अनअकेडमी में पे क्लास देख सकते हैं साहिल आप बिल्कुल स्पेशल क्लासेस देख सकते हो अन अकेडमी पे वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है है ना अच्छा बच्चों याद आया मैंने आज एक अपनी सीरीज कंप्लीट करी है है ना जहां पर मैंने आपको थ्री हंड्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के उस सीरीज का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी वन आफ्टर द अदर मेरे ख्याल से 15, 20 मैंने दयाल तो ज्यादा हो गया आई थिंक आठ या नौ क्लासेस ली है मैंने है ना जिसमें तीन सौ क्वेश्चन हमने कम्प्लीट करे हैं वाह बहुत अच्छा लगा था आज तीन सौ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे नॉमिन क्लेचर पूरा हो गया है आइसोमेरिज्म पूरा कराया था जीओसी पूरा कराया था मतलब जो जिन बच्चों को ऑर्गेनिक के बेसिक्स जिनके हिले हुए हैं ना वो इस सीरीज को जरूर देखो और मुझे फिर बताना है ना आई बी कमिंग लाइव सम अदर टाइम वहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि भाई नेक्स्ट hmm, हाइड्रोकार्बन की सीरीज चाहिए तो मुझे बताना ठीक है आंसर आ गया क्या बात है वन आंसर आ रहा है कई बच्चों का वन आंसर आ रहा है दैट इज ग्रेट क्वेश्चन करके दिखाते हैं क्या है एज्यूमिंग दैट बी एच टॉइस इज कम्प्लीटली आयोनाइ इन एक्वर्स्यूशन अंडर द गि कंडीशन कह रहे आप ये अज्यूम करके चलो कि NaOH twice कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है तो जो उसने लिख कर दिया मैंने वो लिख लिया बैलेंसिंग पे मैं देखो मैं बहुत ध्यान देती हूँ कह रहे द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयंस इन 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH twice एट 298 केल्विन इज दिस पीएच नहीं पूछा कह रहे बस मुझे ये बता दो कि H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बच्चों H3O+ पूछे या H+ पूछे बात एक ही शुरू में कितना दे रखा था ये 0.005 मोलर हमें दे रखा है है ना? 0.005 मोलर इसने हमें दे रखा है अब मुझे बताओ क्या कि एक बी twice, ट्वाइस ये पहले कुछ नहीं था कुछ नहीं था जब ये पूरा खत्म हो गया तो ये कितना बनेगा जीरो ये कितना बनेगा टू इंटू क्या सबको दिख गया ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी टू इंटू जीरो अब कई बच्चे यहीं पे मतलब खेल डालते हैं के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी टेन रेस टू दी पार माइनस फोर्टीन क्यों क्योंकि टेम्परेचर टू नाइन एट है तो एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ओ एच माइनस करना के डब्ल्यू कितना टेन रेस टू दी पार माइनस फोर्टीन होल डिवाइडेड बाई टू इंटू जीरो पॉइंट सोल्व आया सबको समझ क्लियर हुआ दिस मच इज क्लियर टू तो एवरी वन ठीक है समझ आ गया बढ़िया ठीक है ग्रेट ग्रेट अब ये देख लो जो ये मेन दो हजार इक्कीस का क्वेश्चन था जो तो तुम आइनिक छोड़ के जाने वाले थे अगर ऐसा चिंदी चाप क्वेश्चन आ गया फिर तुम्हें रिग्रेट होगा काश मैं आईनिक करके गया होता क्योंकि जब करके जाते हो ना चीज तो पेपर में उसको करने का कॉन्फिडेंस आता है और अगर कभी कोई टॉपिक छोड़ के जाओगे ना तो तुम पेपर में टच भी नहीं करोगे बिकॉज तुम्हें लगेगा अगर गलत कर दिया तो तुम करते ही नहीं हो या टाइम वेस्ट करते रहते हो तो करके जाओ ये टॉपिक छोड़ना मत छोड़ने वाली चीजें हैं जो टफ चीजें हैं मैं बता दूंगी उनको छोड़ सकते हो बट अदरवाइज ये जो सिंपल टॉपिक्स है इनको करके जाना इंपॉर्टेंट है ठीक है सही बात है ना ऐसे होता है ना कि भाई करके तो गए नहीं थे तो पेपर में जाके टेंशन हो जाती है कि हाई गलत हो जाता तो हम करते ही नहीं है डर जाते हैं पेपर में टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं अच्छा एक और चीज़ देखो बच्चों अब एक अच्छी चीज बता रही हूँ स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग एसिड जितने मर्जी ले लो टोटल एच प्लस निकाल लो टोटल वॉल्यूम निकाल लो डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा स्ट्रांग बेस ले लिए सारे मिक्सचर ऑफ स्ट्रांग बेस तो भी आंसर आ जाएगा भाई साहब व्हाट इफ अगर मैंने आपको मिक्सचर दे दिया स्ट्रांग एसिड और स्ट्रोंग बेस का अब क्या करोगे सोचो मान लो मैंने एक मिक्सचर दे दिया ठीक है जिसमें दो स्ट्रॉन्ग एसिड है एक स्ट्रॉन्ग बेस है अब आप उसका पीएच निकालने को आपको बोला जाएगा मैं एग्जाम्पल कराऊंगी बट पहले समझो मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ जितने भी एसिड्स दे रखे हैं ना उनमें से टोटल एच प्लस कितने मोल्स आ रहे हैं ये पता कर लो जितने भी बेस दे रखे हैं वो टोटल ओ एच माइनस कितने मोल्स देंगे ये पता कर लो मान लो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच प्लस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ एच माइनस इक्वल आ गए तो कहना भैया सॉल्यूशन न्यूट्रल है पीएच हो जाएगा 7. अगर of of plus, OH से आ तो सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं है सोल्यूशन एसिडिक्लस ओ एच माइनस से कम आ गए तो मान लो ओ OH एच माइनस ज्यादा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेसिक समझ गए पहले निकालो टोटल नंबर ऑफ एच प्लस फिर निकालो टोटल नंबर ऑफ ओ एच माइनस देखो दोनों सेम है तो बोलो न्यूट्रल

बट पहले मैं चाहती हूँ एक बार बना के जरूर देखो एक बार क्वेश्चन को खुद से करके जरूर देखो बन जाता तो वधिया नहीं तो मैं करा रही हूँ मैम टोटोमेरिज्म तो, तो, कब करना है अरे अभी अभी ये जो स्पेशल क्लासेज लिया ना ऑर्गेनिक की उसमें बहुत सारे कम से कम चालीस पचास क्वेश्चन टोटोमेरिज्म के कराए हैं तो स्पेशल क्लासेस देख लेना टोटोमेरिज्म पूरा करा दिया बाउंस बैक का नॉमिन क्लेचर मोर अनफ है बाउंस बैक में जो नॉमिन क्लेचर मैंने कराया है बच्चों, वो तुम्हें पूरे YouTube पे किसी की स्पेशल किसी की प्लस क्लास में नहीं मिलेगा बहुत डिटेल में हमने किया आया आंसर मैम क्वेश्चन में देर लगती है देखो क्वेश्चन में देर लगती है तो इसका यू ट्राई मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आपको सेम क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा ना हाँ ये क्वेश्चन तो हमने कर रखा है हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे करना है तो अपने आप ही क्वेश्चन को करने की स्पीड बढ़ जाएगी तो क्वेश्चन को अगर आपको टाइम लगता है करने में द ओनली उपाय इज ट्राई एज मैनी नंबर ऑफ क्वेश्चन एज यू कैन तभी मैं बोलती हूँ कि क्लास में मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करा देती हूँ अब यार बच्चों समझो क्रैश कोर्स है तो मैं एक ही पर्टिकुलर टाइप के पांच पांच क्वेश्चन नहीं करा सकती अदरवाइज उस क्रैश कोर्स का कोई मतलब ही नहीं है तभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा देती हूँ है ना और डीपीपी में सिमिलर क्वेश्चंस देती हूँ तो डीपीपी सॉल्व करोगे अपने आप प्रैक्टिस होने लग जाएगी हो? चलो अब कई बच्चों से इसका आंसर आने लग गया है जिनसे नहीं आने लगा मेरा सुनो मैं समझाती हूं तुम्हें कैसे इस क्वेश्चन को करना है घबराएगा कोई नहीं सोच समझ के करेंगे देखो

बच्चों मोलैरिटी कितनी दे रखी है one, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 50. अब सुनो आप बेशक ऑलरेडी मिली लीटर है ना तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मिली मोल समझ गए ये होता है मोल पर लीटर तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा कहने का मतलब अगर वॉल्यूम मिली लीटर में है तो मोल्स जो आएंगे वो मिली मोल होंगे अगर वॉल्यूम लीटर में होता तो मोल्स जो आते वो मोल्स में आते है ना तो 50 मिलीमोल्स क्या है H+ प्लस बढ़िया सेम इस तरीके से कैन यू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ एच माइनस कैसे निकालेंगे 30 into 1, आ 30 अब एक बार बताओ 50 H+ प्लस थे और 30 ओ OH एच माइनस है तो 30 H+ प्लस तो ओ एच माइनस के साथ न्यूट्रलाइज हो गए ना 30 तो खत्म हो गए 30 तो खत्म हो गए बाकी बचे कितने एक्स्ट्रा क्या बच जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच प्लस कितने बचे 20 मिलीमोल mm. पहले बताओ ये क्लियर हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच प्लस बचे कितने 20 मिलीमोल mm. अब पीएच निकालना है ना कोई बात नहीं पहले एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालो पीएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाई टोटल वॉल्यूम कितने मोल्स हैं बीस याद रखना मिली आपने लिया है और टोटल वॉल्यूम कितना पहले पचास था और अब तीस डाला टोटल वॉल्यूम कितना 80 मिली तो मिली से मिली से कट गया। टोटल माइनस लॉग ऑफ वन बाय फोर अब मैं आपकी एक स्पेशल क्लास बहुत ही जल्दी प्लान करूंगी जहां पर मैं आपको लॉग एंटी लॉग लेना सिखाऊंगी और अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज करते हैं वो सिखाऊंगी ठीक है ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा इसमें तो कोई टेंशन नहीं है ये तो लॉग वॉक की वैल्यू भी आपको पता ही होगी छोटे ये तो सिंपल लॉग ऑफ वन बाय फोर है तो इसको माइनस बाहर ले लेना ले ले ये लॉग ऑफ वन माइनस लॉग ऑफ फोर लॉग फोर को टू लॉग ऑफ टू रेस्ट टू पार टू मतलब टू लॉग टू लिख सकते हो तो जो फाइनल आंसर मेरे पास है वो है लगभग लगभग सिक्स जीरो वन जीरो इन टू टेन रेस्ट टू दर माइनस फोर तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स आया बस कैलकुलेशन में आपके कदम लड़खड़ आने नहीं चाहिए थे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था आपका आराम से आंसर आ जाना चाहिए था समझे ठीक है सिक्स जीरो वन जीरो मैम थोड़ा टफ क्वेश्चंस कराइए ट्वेंटी ट्वेंटी वन का बच्चों मैंने दो हजार इक्कीस का ना जितने भी सारे पेपर्स को मिला के चार अटेम्प्टे ना चारों के चारों अटेप को मिला के मैंने सारे क्वेश्चन आज अपनी शीट में रखे हैं कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ दिया हो जो दो का हो यही लेवल के क्वेश्चन बच्चों मेन में आते हैं ये मत सोचो कि मैं पर इजी क्वेश्चंस करा रही हूं। टफ वाले तुम्हारे लिए छोड़ दिए ना, ना, ना। सारी की सारी। ये नहीं कि में। कोई भी चैप्टर में करा रही हूं ना, का एक एक क्वेश्चन व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं ठीक है समझे यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई अब बच्चों एक कहानी ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जरा मैं आपको ये समझाती हूं ठीक है स्ट्रॉन्ग के बारे में जितनी चीजें मैंने बताई ये मोर देन एनफ है इनमें से आ जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं सबसे पहले है ना मैं लिखती हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट थियरी आपको मिल जाएगी करना सीखो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहला हमारा आता है वीक एसिड जनरली बच्चों वीक एसिड को हम एच ए से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली वीक एसिड की रिप्रेजेंटेशन होती है एच ए से क्योंकि ये वीक है दैट मीनस ये हंड्रेड परसेंट डिसोसिएट नहीं होता तो मतलब ये एच ए जो है ये एक्वस ये टूटेगा ये एच प्लस में कन्वर्ट होगा एक्वस प्लस ये ए माइनस में कन्वर्ट होगा अब कुछ H प्लस और A माइनस वापस आ जाएंगे ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाया ही था अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वन ना हो तो कुछ चीजें वापस आ जाती है है ना आगे देखना जरा अगर मैं इस रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम लिखू तो क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स A माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एच अब बच्चों ये जो एसिड के लिए एसिड के डिसोसिएशन के लिए जो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा इसी का ही हम एक नया नाम दे देते हैं जिसको बोलते हैं के ए, के ए का मतलब होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जैसे वहां पर हमने पढ़ा था ना फॉर्मेशन uh, कांस्टेंट ये सारी चीजें सिखाई थी ना के फॉर्मेशन सिखाया था है ना फिर कर, देखा था के पी था के सी था एंड सोन so सिमिलरली अगर के इक्विलिब्रियम आपने इस रिएक्शन का लिखा जहां पर एक एसिड डिसोसिएट हो रहा है तो इस के ए को क्या बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ठीक है सिमिलरली अगर मैं एक वीक बेस ले लू ध्यान से समझना मैंने क्या ले लिया वीक बेस वीक बेस को जनरली आप बीओ एच से रिप्रेजेंट करते हैं जरूरी नहीं है बीओ एच इज वीक मतलब नाइनटी नाइन परसेंट में हम बीओ एच का मतलब लेते हैं वीक बेस तो लिखो बी ओ एच एक्वस ये मैंने कराया ये खुद से करके देखो ये किस किसमें टूटेगा ये टूटेगा बी प्लस एक्वस प्लस ओ एच माइनस एक्वस अब अगर इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम लिखने को बोलूं तो क्या लिखेंगे बी प्लस एक्वस इंटू ओ एच माइनस एक्वस डिवाइडेड बाई बी अब क्योंकि ये आपने बेस के लिए लिखा है बेस के डिसोसिएट होने के लिए लिखा है इसीलिए इस के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोल देंगे के बी इसको बोलते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट समझे के ए और के बी का मतलब क्या है एसिड एंड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट क्लियर हुआ ये ये नोट नहीं करना अगर आप मेरी स्पीड से मैच कर पा रहे हो समझने के लिए नोट करने के लिए आप बेशक नोट करो नहीं मैच कर पा रहे हो आपको ये सारी हैंड रिटन स्लाइड मिल जाएंगी टेंशन मत लो समझ आ गया यहां तक क्लियर हुआ अब अब अगर वीक एसिड का क्वेश्चन आएगा तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे एप्रोक्सीमेशन कैसे लगाएंगे बड़े ध्यान से देखो एक अच्छी सी चीज मैं बता रही हूं मान लो बच्चों आपके पास एक वीक एसिड है पीएच का कैलकुलेशन कैसे करना है तो टॉपिक समझ गए पीएच निकालना है किसके लिए एक वीक एसिड के लिए और वीक बेस के लिए भी निकाल लेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि मैम एक वीक एसिड है एच ये किस डिसोसिएट होगा एच प्लस एक्वस प्लस ए माइनस एक्वस केमिकल इक्विलिब्रियम करा के आई ना याद है केमिकल इक्विलिब्रियम हमने किया था क्या करते थे कि बच्चों जब T zero था इसकी concentration C, कुछ नहीं कुछ नहीं एक बार सीख लेना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फिर सिखाया था T इज इक्वल टू जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा मान लो ये X टूटा तो बच्चा कितना C माइनस एक्स 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 याद है और ये भी सिखाया था अगर X की टर्म्स में नहीं लिखना तो हम एल्फा के टर्म्स में लिख सकते हैं तो टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे कितना सी माइनस सी एल्फा सी एल्फा सी एल्फा पहले मुझे बताओ यहां तक ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिखनी आई है सबको डिड यू अंडरस्टैंड कि ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखनी है वेरी गुड किसने लिखा अर्जुन ने लिखा दैट इज ग्रेट ठीक है वी डेफिनेटली बिलीव इन यू मैम जी हाँ बस विश्वास रखो और मेहनत करो आई विल नॉट टेक यू टू अर रॉन्ग पाथ मैं डेफिनेटली आपको सही रास्ते पर ही लेके जाऊंगी और 100% कोशिश करूंगी कि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ ठीक है मेरी गाइडेंस में आप घबराओ मत मैं कुछ गलत नहीं आपको सिखाऊंगी ठीक है वेरी गुड अब ध्यान से देखो इतना लिखने के बाद क्या मैं लिखू के ए अब मैं बारी बारी उसको के इक्विलिब्रियम नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे पता ये के ए है के ए की वैल्यू कितनी एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एच की कॉन्सेंट्रेशन ये कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट होता है बट मैं थोड़ा टाइम बचाने के चक्कर में ऐसे सिंपल ब्रैकेट बना देती हूँ तो लिखना जरा सी एल्फा इन टू सी एल्फा डिवाइडेड बाय सी माइनस सी एल्फा इसको काट पीट के लिखना सी एल्फा इन टू सी एल्फा डिवाइडेड बाई सी कॉमन ले लो वन माइनस एल्फा से सी गया क्या, क्या आ गया सी एल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस इतना समझ आया ए क्या होता है फॉर अ वीक एसिड सी एल्फा डिवाइडेड बाय वन माइनस एल्फा ये याद भी अगर रहता है तो इतना करने से बच जाओगे अदरवाइज uh, करके देख सकते हो पेपर में कोई टेंशन नहीं है के ए की वैल्यू कितनी सी एल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस एल्फा अब बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट कदम आता है है ना जो कई बच्चे गलत स्टेप ले लेते हैं ध्यान से सुनना अगर आपके एल्फा की वैल्यू 0.05 से कम है याद रख लो एल्फा की वैल्यू 0.05 से कम है मतलब 0.06 भी होगा ना तो भी नहीं चलेगा 0.051 भी होगा ना तो भी नहीं अगर एल्फा की वैल्यू 0.05 से कम है तो आप वन माइनस एल्फा को लगभग लगभग वन ले सकते हो मतलब अब आप एल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हो और अगर आपने एल्फा को नेग्लेक्ट किया तब जाके के ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी सी एल्फा स्क्वायर तब जाके के ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी सी एल्फा स्क्वायर समझे नेगलेक्शन तभी करोगे जब एल्फा की वैल्यू लेस देन जीरो पॉइंट जीरो फाइव होगी मैम क्वेश्चन की फॉर्म में सिखा दो अभी दो चार मिनट रुक जाओ क्वेश्चन भी करके दिखाती हूं इतना समझ आ गया ठीक है अब हमारा तो काम था कि आपको एच प्लस कैलकुलेट करके बताना था एच प्लस कैलकुलेट करना था ना एच प्लस की वैल्यू कितनी थी सी एल्फा तो लिखना यहां पे ऐसे डब्बा डाल देती हूँ एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी सी एल्फा ठीक है सी की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन होगी एल्फा की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ देखना एल्फा की वैल्यू के ए बाई सी का अंडर रूट इज एल्फा लिख सकते हैं तो क्या लिख दो अंडर रूट ऑफ के ए डिवाइडेड बाई सी तो क्या ये लिख दो अंडर रूट के ए सी ये एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी क्या ये क्लियर हुआ H की आप कैसे निकालेंगे Ka into C. H की कैसे? इतना समझ जाओ कुछ भी अभी तक का एक फॉर्मूला भी रटना नहीं है अपने आप मैं सिखा दूंगी कैसे क्वेश्चंस करने हैं बट रटना नहीं है समझे बच्चों एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्वर्स डाइल्यूशन लॉ एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्व्यूशन लॉ क्या होता है ध्यान से देखो वैसे इस लॉ को मैं आपको जो हमारा चैप्टर है ना डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वहां पर भी सिखाऊंगी ग्रेड ट्वेल्थ में बट अभी समझो एक बात बताओ अगर एक आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया अभी अभी पूरा करके दिखाया था ना दोबारा सेम नहीं कॉपी कर रही हूं तो हमने निकाला के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ना अब मैंने कहा मान लो अल्फा की वैल्यू इज लेस देन जीरो पॉइंट तो मेरा के ए क्या बन जाएगा सी अल्फा स्क्वायर तो मेरा अल्फा क्या बन जाएगा अंडर रूट के ए बाय सी समझना 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 मैंने बच्चों अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर दिया तो क्या इतनी बात समझ आती है कि के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉन्स्टेंट क्योंकि के क्या है एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ये इक्वेलिब्रियम कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू केवल 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 टेम्परेचर पर डिपेंड करती है अब एक बात बताओ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं बात कर रही हूं अगर मैंने डाइल्यूशन करी क्या करी डाइल्यूशन मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया था डाइल्यूशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन को कम करना अगर आपने डाइल्यूशन करी तो क्या दिखाई दे रहा है एल्फा बढ़ जाएगा तो क्या मैं लिख दू द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन ये लॉ होता है जिसका नाम है ऑस्वल डाइल्यूशन लॉ क्या ये बात सबको समझ आई कहने का मतलब मान लो पहले आपके पास एक एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन था ये था जीरो पॉइंट वन मोलर तो ये कुछ डिसोसिएट हो रहा था आपने इसमें बाहर से पानी डाल दिया डाइल्यूशन करा तो ये और ज्यादा डिसोसिएट होगा मतलब बढ़ जाएगा तो याद है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाया था तो ऑसवर्स डाइल्यूशन लॉ बच्चों आपको इन द इन द टर्म्स मतलब इन द डेफिनेशन टर्म्स ऑल्सो पूछा जा सकता है कॉन्सेप्चुअल टर्म्स में न्यूमेरिकल में हर चीज में पूछा जा सकता है क्लियर हो गया ऑसवर्ल्स डाइल्यूशन लॉ क्या होता है पहले ये बताओ ये क्लियर है फिर हम आगे पढ़ेंगे डाइल्यूशन लॉ क्लियर है मैम कहा दो ठीक है मेरे पास स्पेशल क्लास का लिंक है मैं आपको मैं डलवा दूंगी ठीक है या एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो कर दूंगी अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवाऊंगी तो मुझे खुद ही याद नहीं रहेगा कौन से वीडियो में मैंने स्पेशल क्लास का लिंक दिया था आई इ व वेरी स्मॉल वन और टू मिनट वीडियो ऑन यूट्यूब जहां पर मैं बता दूंगी कि कितने क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन तक कौन सा कॉन्सेप्ट हमने कवर कर रखा है और वही सारी की सारी दस स्पेशल क्लासेस का लिंक डलवा दूंगी मुझे आज या कल सुबह तक का टाइम दे दो ठीक है आज अभी सेशन कम्प्लीट होगा फिर आई हैव टू स्पेशल क्लासेस तो मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगी फिर वो शॉर्ट्स करने का टाइम नहीं मिलेगा कल मॉर्निंग तक मैं आपको स्पेशल क्लासेस का लिंक दे दूंगी ठीक है <coughs> समझ आया यहाँ तक ऑन इंफानाइट डूशन हाँ इन्फानाइट <laughs> डूशन की कहानी हम डिस्कस करते हैं ग्रेड ट्वेल्थ में अभी नहीं अभी आपको बस इतना ही पता होना चाहिए एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है ठीक है ओ माई गॉड नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ टॉपिक जो आपको बहुत कम टीचर्स पढ़ाएंगे ठीक है आप किसी भी टीचर से पढ़ के देख लो रेयरेस्ट आपके साथ मतलब ऐसा होगा कि आपको टीचर्स ने ये टॉपिक पढ़ा रखा होगा इस टॉपिक को ध्यान से समझ लो इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ये पहले जमाने में जेई एडवांस में पूछा जाता था बट अभी रिसेंटली इन्होंने जेई मेन में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है अब एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है बड़ी प्यारी चीज़ है ध्यान से समझना बच्चों मान लो आपके पास एक डब्बा है आपके पास क्या है एक डब्बा ध्यान से समझना बड़ी प्यारी चीज है इसका जो यूज है अभी वो मैं आपको आगे कैलक्युलेशन में कराऊंगी आपके पास एक डब्बा है डब्बे में दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रही हैं जैसे ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है और यही बी आगे सी के साथ इक्विलिब्रियम में है। मतलब दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रही है इनमें बच्चों कोई एक चीज कम से कम कोई एक चीज क्या है कॉमन कोई एक चीज क्या है कॉमन ध्यान से देखो जैसे बी यहाँ यहाँ पे कंज्यूम हो तो शुरू में देखना जब शुरू शुरू में टी इज इक्वल टू तो आपने जीरो लिया ठीक है तो समझो ये ए था शुरू शुरू में क्या था ये ए था बी नहीं था शुरू शुरू में हमारे पास बी बिल्कुल नहीं था जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो बच्चों मान लो ए जो है वो टूट गया एक्स तो बचा कितना ए माइनस एक्स और बी कितना बना एक्स ध्यान से समझो पहले हुआ जैसे ही बी बना तो समझो यहां पर शुरू शुरू में बी कितना था X. C था ही नहीं फिर धीरे धीरे जो B है वो टूटना शुरू हुआ मान लो ये वाई टूट गया तो अब बी कितना बचा एक्स माइनस वाई और सी कितना बन गया हमारा वाई अब बच्चों ही रिएक्शन सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता ना कि बी की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है एक कह रहा है एक्स है एक कह रहा है एक्स माइनस वाई है तो जब दो चीजें एक ही साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती है या आप ये बोल दो एक चीज दो इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट कर रही है तो जो इनका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन तो आएगा ना वो अलग अलग नहीं आएगा वो सेम आएगा तो मतलब अगर यहां पर आपने एक्स में से वाई माइनस किया है तो आपको यहां पर भी एक्स में से वाई माइनस करना पड़ेगा इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम दिस इज नोन एज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम समझे थोड़ा सा अगर आपको अभी कंफ्यूजिंग लगा तो मैं एक और एग्जाम्पल आपको देकर कराती हूँ। ध्यान से देखो ये एग्जाम्पल नोट्स में नहीं है ये मैं एक्स्ट्रा आपको करा रही हूँ। ए प्लस बी ये कन्वर्ट हो रहे हैं सी प्लस डी में और एक और रिएक्शन में डी प्लस ई ये कन्वर्ट हो रहा है एफ प्लस जी में मान लो ये दो रिएक्शन है दोनों रिएक्शंस जो हैं बच्चों एक ही कंटेनर में हो रही है तो so so मान लो अगर जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो ये टूटा x मान लो ये भी टूटा x ये बना x ये बना x सही है पहले तो एक इक्विलिब्रियम हैंडल करो फिर अब ध्यान से देखो जब t इज इक्वल टू जीरो लूंगी तो यहां पर डी कितना है ये एक्स मान लो ई e हमें पता चल गया कितना दे रखा था जेड ये हमें दे रखा था तो शुरू शुरू में एफ और जी नहीं था अब जब टीज इक्वल टू टीविलीप्रियम आएगा तो ये टूटा मान लो ये कितना टूट गया वाई तो ये भी कितना टूटा वाई ये कितना बन गया वाई ये कितना बन गया वाई बट बड़े ध्यान से देखो ध्यान से समझना ये जो डी है और यहां पर जो डी है वो दोनों सेम है ना तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग नहीं होगी तो यहां पर अगर कॉन्सेंट्रेशन एक्स माइनस वाई है तो इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी कर दोगे एक्स माइनस वाई सो बच्चो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेलिब्रियम पहले मुझे बताओ ये साइमल्टेनियस इक्वेलिब्रियम का कॉन्सेप्ट सबको समझ आया या नहीं आया ठीक है ये तुम्हें बहुत मैं मैं लिख कर दे सकती हूँ YouTube पे तो बहुत ही कम ऐसे टीचर्स होंगे जिन्होंने तुम्हें साइमल्टेनियस इक्वेलिब्रियम सिखाया होगा मैंने कई कई लोगों को देखा है जो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बच्चों को बताते तक नहीं है बट जब क्वेश्चन आते हैं ना तो कहते हैं देखो बच्चों यहाँ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दो तो ऐसे रटा नहीं मारेंगे मतलब सोल्यूशन को देख के हमें नहीं क्लिक करना चाहिए कि भाई यहाँ पे ऐसे किया होना चाहिए था हमें खुद से लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि अच्छा साइमल्टेनियसली दो चीजें प्रेजेंट है तो यहां पर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लगेगा समझ गए अभी आगे विद क्वेश्चन जब मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से और चीजें समझ आ जाएंगी ये दो स्लाइड्स हैं इसको हम अभी टाइम बीइंग के लिए स्किप करते हैं अभी इन दो खाली स्लाइड्स पे मैं आऊंगी आप चिंता मत करो अब बच्चों एक नया टॉपिक है ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझना है बहुत प्यारा टॉपिक है इसके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में ये टॉपिक का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट इस टॉपिक का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट बड़े ध्यान से समझना ठीक है सपोज ऑलरेडी मान लो मेरे पास एसिटिक एसिड है ठीक है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये ये डिसोसिएट हुआ ये किसमें डिसोसिएट हुआ सी एच थ्री सीओ ओ माइनस एक्व प्लस एच प्लस आपको याद है मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको प्रिंसिपल सिखाया था उसका एप्लीकेशन है कॉमन इफेक्ट सुनना मेरी बात सुनना मैं वापस बोल रही हूँ बच्चों बहुत बच्चे ना इन नाम को देख के हाय मैम कॉमन आई इफेक्ट हमसे ना हो पाएगा हम डर जाएंगे है ना अभी बफर आएगा हमसे ना हो पाएगा मैम हम डर जाते हैं सोल्ट हाइड्रोलिस नहीं 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 मैम नहीं हो पाएगा टाइट्रेशन मैम नहीं हो पाएगा बच्चों ये टॉपिक के नाम जितने डरावने और भारी भरकम है ना इनका कॉन्सेप्ट उतना ही सिंपल है अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ जमा ली आपका कोई क्वेश्चन अड़ेगा नहीं किसी क्वेश्चन में आप स्टक नहीं हो लॉजिकली समझो देखो एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम एक इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टैब्लिश था इस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम में मान लो मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने बाहर से एच डाल दिया मैंने बाहर से क्या डाल दिया एक्सटर्नली क्या डाल दिया एच अब देखो ये जो H प्लस आयन है जो पहले सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा था डोंट यू थिंक इट इज सेम एज H प्लस आयन जो हमने बाहर से डाला है और बाहर से जो आपने एच डाला ये तो हंड्रेड परसेंट डिसोसिएट हो जाता है तो क्या मैं बोल दू आपने एक ऐसा आयन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए डाला जो आयन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट था और पिछली पिछले केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाया था कि बच्चों जब जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा रिएक्शन वहां जाएगी जहां प्रोडक्ट यूज हो रहे होंगे तो क्या याद आया कि रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी इसी इफेक्ट को बोलते हैं बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट इसको क्या बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट मतलब अब ये जो एसिड इसकी जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी वो और कम हो गई और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगी क्यों क्योंकि कॉमन आयन डालने से आपने आपने इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लग जाएगी समझ आया कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है ये लॉजिक क्लियर हुआ तो मुझे बताओ फिर मैं इसके क्वेश्चन कराती हूँ ये ये डरते हैं बच्चे पता है मैंने कई टीचर्स को देखा पता है कैसे पढ़ाते हैं देखो बच्चों पहले क्या था टी इज इक्वल टू जीरो ये सी, नथी नथी। फिर बच्चों अब हमने एक्स्ट्रा एच प्लस डाल दिया है ना जिससे अल्फा चेंज हो गया फिर फिर पूरी करेंगे पता नहीं कितनी लंबी कहानियां आपको ऐसा कुछ नहीं करना मैं आपको एक क्लियर कट आइडिया बताऊंगी आगे से कोई भी क्वेश्चन कॉमन आइन इफेक्ट का आ जाएगा आप बना लोगे बस पहले मेरा लॉजिक समझना मैं क्या समझाना चाह रही ध्यान से समझना कॉमन इफेक्ट का एक एक लॉजिक समझो बड़ी प्यारी चीज मैं आपको सिखाती हूं। मान लो आपके पास सॉल्यूशन है ठीक है आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर एक वीक एसिड दे रखा है देखना पहली बार सीख लो पूरी क्लास तक यही का यही सेम लॉजिक लगाऊंगी कोई नया लॉजिक नहीं सिखाऊंगी एक वीक एसिड दे रखा है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है सीवन मोलर और एक स्ट्रॉन्ग एसिड आपने दे रखा है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है मान लो ये एच दे दिया जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है सी टू मोलर आपसे पूछा जाए बच्चों फाइनल सॉल्यूशन का पीएच निकाल के दिखाओ ठीक है ये जस्ट मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल ले लिया इसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगी ठीक है एक रैंडम एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया ठीक है एक वीक एसिड है एच प्लस क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सीवन मोलर है स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे एच उसकी कॉन्सेंट्रेशन सी मोलर है डरना नहीं है डरना नहीं है पहले तो ये देखो पहले तो ये देखो भैया इक्वलिब्रियम है तो किस में में होता है वीक वीक एसिड बेस तो लिख लो चिल मार के लिखो आ हाइल करके एच ए टूटेगा एच प्लस में प्लस ए माइनस में इतने में तो कोई टेंशन नहीं है ना जो चीजें आसान है पहले उसको करो फिर करो भैया टी इज इक्वल टू जीरो पर तुम लोग की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी कहता सीवन तुम्हारी कितनी थी कहता कुछ नहीं कुछ नहीं तो आप भी लिख दो कुछ नहीं कुछ नहीं लिख दोगे अब देखना टी इज इक्वल टू जब आया भैया तो कितना हुआ मान लो X टूटा X बना X बना इतना तो कर लोगे ये तो कर ही सकते हो बचपन से सिखाया जा रहा है अब चल कहता हमने ना स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है एच प्लस और पता है कितनी कॉन्सेंट्रेशन है सी टू मोलर वो कोई बात नहीं भैया तुमने एच प्लस दिया ना सी टू मोलर वाला तो यहाँ पे सी टू एड कर दो That's it, बच्चो, that's it. इसके अलावा कोई approximation, कोई फालतू चीज नहीं करनी कि मैम जाएगा होगी ये वो वो बस conceptually, concept clear होना चाहिए न्यूमेरिकल में कोई मुश्किल नहीं है जो एक्स्ट्रा दे रखा है उसके साथ वो क्या कर दोगे चिपका दोगे अब फिर लगाओ ये क्या है वीक एसिड तो इसके लिए के ए लिख सकते हैं कितना एच प्लस एट इक्विलिब्रियम ए माइनस एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई एच ए की वैल्यू आपको दे रखी होगी बस वैल्यू पुट करो एक्स C2 C2 uh, प्लस के साथ कराऊंगी मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर पहले मुझे बताओ लॉजिक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैंने कैसे कैसे इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया है ये क्लियर है लॉजिक कॉन्सेप्ट एवरीथिंग इज क्लियर कोई डाउट तो पूछो बचपन में बचपन का प्यार है ना बचपन में हमने सीखा था एक भारी भरकम क्वेश्चन देती हूँ नहीं डर गए मैं कह रही हूं तुम्हें अगर कोई डराए अगर तुम्हें कोई हरा सकता तो वो तुम्हारे मन का डर है कि मैम इक्वलिब्री से ऐसा टॉपिक आता है जो मैम हमसे ना हो पाएगा बच्चों मैं लिख के दे रही हूँ 2021 का इतना चिंदी लेवल का क्वेश्चन अगर तुमने मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो तुम 22 का भी आराम से बना लोगे डरना मत स्टेप बाय स्टेप करो टेक योर टाइम जिनसे नहीं बनेगा मैं हूं बट ट्राई करना जरूरी है जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर, बच्चों। टाइम लो आंसर करो जल्दबाजी कोई नहीं करेगा फटाफट के चक्कर में कोई काम खराब नहीं करेगा जेई मेन दो हजार इक्कीस का सवाल है एक्स होगा मैम हाँ अभी पिछले जो पिछला कराया है ना ये उसी का ही क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा जेई मेन दो हज़ार इक्कीस में, में। फेरी पढ़ाते हो तो तुम्हें लगता है मैम टाइम पास कर रहे हो अभी क्वेश्चन कराऊंगी फिर तुम्हें लगेगा हाँ मैम अब मजा आ रहा है करो पहले खुद से ट्राई करो

जैसे ही वीक एसिड दिया डरना नहीं है p इक्वअल टू इक्विलिब्रियम पे क्या आ जाएगा 0.01 x x इतने में तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए ना ये तो बच्चों वाला है यार ये बचपन का प्यार है तुम्हारा फिर उसमें तुमने क्या मिलाया hcl 1 लीटर hcl मिलाया 0.1 मोलर तो क्या मैं सिंपल बोल दूं आपने 0.1 मोल hcl के मिलाया और बच्चों क्योंकि कि hcl पूरा डिसोसिएट हो जाता है तो क्या मैं बोल दूं आपने 0.1 मोल h+ मिलाया है अब ये h+ एक कॉमन आयन है छोड़ो दुनियादारी यार छोड़ो कॉमन आयन की कहानी बस चुपचाप कह दो कि मैम ये h+ यहां पर भी पाया जाएगा प्लस 0.1 मैं यहां लिख देती हूँ ठीक है जो वहां अपने एक्स्ट्रा लिया उसको यहां पर लिख दिया मैंने कह रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ha

फिर यहां पर लिखो x और डिवाइडेड बाय लिख दो है ना डिवाइडेड बाय क्या लिख दोगे 0.01 पॉइंट माइनस एक्स सही बात है ये आपने लिख दिया 0.01 इसमें किसी को कोई टेंशन तो नहीं है पहले ये बताओ ये क्लियर है x इंटू जीरो पॉइंट वन इंटू एक्स डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो वन माइनस एक्स पहले मेरे को बताओ ये क्लियर है या नहीं है अब बच्चों एक बात बताओ सुनना मेरी कहानी सुनो 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 बड़ी प्यारी चीज है दो ऑप्शन है आपके पास या तो ना इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो सुनो यहां पे बच्चे फंसते हैं क्वाड्रेटिक बनाएंगे भाई सब उनको कोई टेंशन नहीं क्वाड्रेटिक बना रहे कह रहे हैं मैम पहले एक्स आएगा फिर नीचे भी आएगा फिर हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे फिर वो एल्फा वो होता नहीं है डी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट फोर ए वो लगाते हैं क्वाड्रेटिक मैं कहती हूँ कुछ नहीं करो सुनो आप मानते हो कि ये जो एच ए है ये एक वीक एसिड है जबकि ये जो एच सी एल हमें बाहर से दिया था ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो भाई साहब वीक एसिड कर कर लिख दो जीरो पॉइंट वन मतलब जो सबसे पहला काम है कि अप्रोक्सीमेट आंसर तो निकाल के देखो इतना थोड़ी ना हार्ड एंड फास्ट तुम्हें क्वाड्रेटिक चिपकानी है कि तुम इतना करके देखोगे आप सिंपल कर दो नेग्लेक्ट कर दो तो में मैंने X हटा दिया और इसको क्या लिख दिया? X into अगर X छोटा भी आगे देखो मैं मान के चल रही हूं कि बच्चों एक्स की वैल्यू जीरो कम है मैं मान के चल रही हूं एक्स की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो बहुत कम है तो यहां से भी एक्स हटा दो क्या बन गया जीरो पॉइंट जीरो सॉल्व करना

तो कितना एच प्लस आया वन मोल किसका डाउट था समझ आ गया टू इंटू टेनस सेवन बच्चों ये से, तो गुना है। .01 से भी बहुत छोटा है तो हमने नेग्लेक्शन करके बहुत अच्छा काम किया हमने कोई गलत काम नहीं किया समझे एक्स की वैल्यू आ गई सबकी एक्स की वैल्यू आ गई उसने पूछा क्या था उसने पूछा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो पिछले पिछले केमिकल इक्विलिब्रियम में आधे बच्चे यहीं पे खुश हो गए टू टू मतलब ये था ना 2 10 power, 7 आ रहा है खुश हम खुश हम हो गए पे चेंज करके आंसर लिख देंगे बच्चों फंसोगे तुम पछताओगे रोगे हमारा कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा ही नुकसान होगा क्या पूछा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है अमाउंट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाई टोटल Amount taken. कितना डिसोसिएट हुआ 2 10 रे -7. और शुरू शुरू में टोटल कितना लिया था 10 रे -2. तो आ गया 2 10 रे -5. 2 10 रे Question बहुत हल्का पूछा था और वही का वही कॉन्सेप्ट इसने लगा के पूछा जो मैंने अभी पिछली क्लास, पिछली स्लाइड में सिखाया था बट वो होता है ना एंगजाइटी है ना हम तो बड़ी प्रिशीशन से करेंगे जो प्रिसीशन मैं बताती हूँ गलती होने के चांसेस हाई मैम कॉमन आइन कॉमन आइन वाला क्वेश्चन हमको नहीं करना आता आधे यहीं से गए ठीक है आधे यहीं से खत्म उसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक पहुंच भी गए मैम हम तो ना क्वाड्रेटिक लगाएंगे बस जैसे ही क्वाड्रेटिक लगाने जाओगे कहानी खत्म हो जानी है फर्स्ट जाओगे टाइम पास करोगे पेपर में ऐसे चिंदी क्वेश्चन के लिए दस मिनट लगाओगे तो कोई लॉजिक नहीं है ऐसे अच्छा छोड़ दो आधे यहीं खत्म उसके बाद जो यहां तक भी पहुंच गए और इसको लिखकर आगे टू इंटू टेन एय दी पार माइनस सेवन को डैश इंटू टेन एयर्स दी पार माइनस फाइव में भी कन्वर्ट करेंगे आधे यहाँ खत्म बस क्वेश्चन पढ़ लेना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा था ये स्टेप भी करना जरूरी था समझ गए और मैं मतलब मन से नहीं बोल रही हूं मैंने कई बच्चों को देखा है ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे ना बच्चों ने पिन कर करके भेजा था मैम हमने तो यही मार्क किया था सही होना चाहिए ऐसे खुश कॉन्फिडेंस में बाहर आ रहे थे कि हमारा तो सही है यह पढ़ना होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है कोई ऐसी छोटी-मोटी बात नहीं पूछी है क्लियर है सबको समझ आ गया ये कहानी एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर आई एम श्योर यहां तक की सारी चीजें सबको अच्छे से समझ आ गई होंगी तो इसी बहाने है ना एक मैं आपको क्वेश्चन कराती हूं और ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ध्यान से समझना मान लो ठीक है मान लो आपको आ, वो कहते हैं ना जैसे एक एच प्लस वाला नहीं डाई बेसिक ट्राई बेसिक एसिड दिए हो और उनका क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे करोगे देखना मान लो आपको दे रखा है एच थ्री फोर शुरू शुरू में करना सिखाया था एच थ्री फोर एक कितना कितने बेसिक एसिड है एच थ्री फोर शकल बनाना एक पी डबल बॉन्ड हो फिर ओ एच ओ एच ओ एच क्या दिखाई दे रहा है ट्राई बेसिक एसिड है, है ना अगर इसका पहला H प्लस जाएगा क्या बन जाएगा H प्लस प्लस एच टू फोर माइनस बच्चों पहला H प्लस जाने के लिए जो इक्विलिब्रियम आया इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है के ए वन अब ये जो एच टू फोर माइनस है एच टू फोर माइनस ये फर्दर डिसोसिएट होगा एच प्लस प्लस पी एच पीओ फोर टू माइनस डिसोसिएशन क्या कहलाएगा के ए टू आगे देखो अगर एच पीओर टू माइनस फर्दर डिसोसिएट होगा एच प्लस प्लस पीओ फोर थ्री माइनस ये क्या कहलाएगा के ए थ्री तुम देख लेना दुनिया के कोई क्रैश कोर्स में यूट्यूब पे किसी टीचर ने तुम्हें पॉली एसिड पॉली एसिडिक बेस या पॉली बेसिक एसिड का ये सब कराया मैं तुम्हें करा रही हूँ क्योंकि जेई मेन में पूछे जाते हैं है ना जस्ट फॉर सेक ऑफ टेकिंग अ क्रैश कोर्स के बच्चों देखो मैं तो तुम्हें दो घंटे में पूरा टॉपिक करा रही हूँ है ना और ये चीजें मैं छुड़वा दूं तो तुम अभी तो बहुत खुश हो जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैम होता ही नहीं है टॉपिक और जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो तुम मुझे बुरा बोलोगे कि मैम कराया क्यों नहीं था तो मैं एक एक चीज करा रही हूँ बस मेहनत करो विश्वास रखो कि तुम्हें हर चीज कराई जा रही है बस मेहनत करते चलना यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी वेरी गुड रैंक इन जई मेन देखो आपको ना मैं सुक्का बताती हूँ एक कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ बच्चों पहले जितने भी इक्विलिब्रियम है ना सिस्टम में उनको लिख लो और थोड़ी थोड़ी जगहें छोड़ देना बीच में थोड़ी थोड़ी जगहें छोड़ दो शुरू में अच्छा आपको के वन के टू के थ्री भी दे रखा होगा ठीक है उसकी टेंशन मत लो शुरू में आपको यह दिया होगा कि आपने ना इसके सी कॉन्सेंट्रेशन से शुरू किया बस इतना ही दे रखा होगा नथिंग एल्स और पूछा जाएगा कि बताओ पी ओ फोर थ्री माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाएगा बताओ एच पी फोर टू माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ठीक है सवाल आसान आएंगे मैं मुश्किल से मुश्किल यहां पर समझा रही हूं ध्यान से देखो मान लो ये सी है ये कुछ नहीं ये कुछ नहीं तो जब इक्वेम आएगा तो मान लो इसको सी माइनस एक्स लिख दू एक्स लिख दू एक्स लिख दू लिख लिया ये पर्पल वाला पार्ट सबको क्लियर है बढ़िया अब ध्यान से देखना अब कौन से कलर से लिखू ग्रीन से लिख लेते हैं तो शुरू शुरू में अब वैसे तो एच टू पीओ फोर माइनस उसने नहीं दे रखा था बट यहां से एच टू पीओ फोर माइनस बना तो यहां एक्स था तो यहां पर भी एक्स लिख दूंगी और ये कितना दे रखा है शुरू शुरू में एक्स और ये कुछ नहीं दे रखा ये यहां से एक्स यहां से एक्स। अब मान तो बच्चा कितना एक्स माइनस वाई ये कितना बना वाई बना तो ऑलरेडी एक्स था अब वाई बन गया ये वाई समझे हो अब ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का सवाल है दिखाई दे रहा है तो अगर ये x माइनस वाई था तो इसको भी x माइनस वाई कर दो ये x प्लस वाई था तो इसको भी x +Y कर दो दिखा मैंने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कैसे यूज करे है ना तो ये यहाँ पर देखो ये ऊपर वाले में लिखने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि मेरे को तो फाइनल प्रोडक्ट में ज्यादा मैटर करता है ठीक है आगे देखो जरा अब मान लो यहाँ पर टी इज इक्वल टू जीरो पे एच पीओ टू माइनस कितना बना था वाई तो मैंने यहां से उठा के वाई लिख दिया एच प्लस कितना है एक्स प्लस वाई यहाँ पे कुछ नहीं है अब अब मैंने कहा इक्विलिब्रियम आएगा। तो कितना बचा वाई माइनस जेड अगर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का सवाल है तो यहां पर भी माइनस जेड कर दो कितना बचा जेड तो अब कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी हर जगह एक्स प्लस वाई प्लस जी और ये कितना बनेगा जी अब सबको समझ आ गया कि कैसे साइमलटेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जहां पर आपको ये मतलब क्वाड्रेटिक ये वाली क्वेश्चन यूज करने को मतलब सॉल्व करने को बोला जाए ना 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 ये समझाने के लिए था क्वेश्चन अलग ही आसान लेवल का आएगा चिंता मत करना ठीक है पहले मुझे बताओ ये समझ आया आजकल बस है अब समझ नहीं आया यार अथर क्या लिखे हो नहीं समझ आया मुझे ये समझ आया पहले बताओ मैम केमिस्ट्री क्यों ऐसी होती है तुम हमारी केमिस्ट्री को खराब कह रहे हो भाई सब सबसे आसान सब्जेक्ट है, है ना जितना तुम्हें फिजिक्स और मैथ्स से प्यार होता है ना जब धोखा देते हैं ना तो यही दो सब्जेक्ट धोखा देते हैं केमिस्ट्री कोई दिन किसी को धोखा नहीं देती है ये मैथ्स और ये फिजिक्स वाले काफी धोखे देते हैं बड़े आए मैम केमिस्ट्री ऐसी क्यों होती है जिस दिन जेई का रिजल्ट आएगा ना जाके अच्छे अच्छे मैथ्स और वा, फिजिक्स वाले टीचर से भी पूछ लो यही बोलते हैं हमारे ना केमिस्ट्री में नंबर सबसे ज्यादा आए थे बड़े आए केमिस्ट्री ऐसा क्यों है मत करना यार मैं मैं बता रही हूँ तो तुम मत ऑप्ट करना वैसे भी तुम्हारे इंजीनियरिंग में कोई केमिस्ट्री वेमिस्ट्री कुछ नहीं पूछी जाएगी तुम चिल मारो बट अभी केमिस्ट्री पे मतलब डाउट तुम केमिस्ट्री पे करते हो ना बुरा हो जाएगा यार देखो मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए डाउट नहीं करना चाहिए केमिस्ट्री पे यही मार्क्स दिलाएगी तुमको बड़े आए केमिस्ट्री ऐसी क्यों है <laughs> चलो ध्यान से करो दो तीन टॉपिक बचे हैं अपने है ना एक बचा है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराऊंगी ठीक है एक बचा है बफर सॉल्यूशन और एक स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट ये तीन टॉपिक्स बच्चे जल्दी से कर लो टाइम देख लेते हैं कितना हो गया टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर बच्चों आधा घंटा आधे घंटे में तीन टॉपिक्स करने हैं हमें जल्दी से करो पहले ये बच्चों फुल ऑन अप्रोक्सीमेशन यूज करनी है अप्रोक्सीमेशन यूज करने में घबराना नहीं है अगर आंसर गलत आएगा तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करनी चाहिए थी बट पहले करके देखोगे अप्रोक्सीमेशन यूज करिए करें फिजिक्स नहीं होगा आज आई डोंट नो आज आज अभी लास्ट सर की क्लास लगी तो नहीं हुई है आई एम नॉट श्योर कि सर ने क्यों नहीं ली है मुझे आइडिया नहीं है ठीक है मेरी बात नहीं हुई है बट मैं आपके लिए Uh, ले रही हूँ ना है ना आज साढ़े सात बजे मैं एक स्पेशल क्लास ले रही हूँ जहां पर आई विल टेल यू कि मैं स्टेट टॉपर सीबीएसई की कैसे बनी थी सो आई विल भी शेयरिंग सम प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स है ना थियरटिकल नहीं कि बच्चों ये कर लेना हवा में बात नहीं करूंगी डायरेक्टली टू द पॉइंट बताऊंगी ये 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 कर लो मेन में, में uh, क्या कहते हैं जय मेन के साथ साथ सीबीएसई हैंडल हो जाएगा बोर्ड एग्जाम्स हैंडल हो जाएंगे ठीक है और एक साढ़े आठ बजे लेक्चर होगा उसमें भी आ जाना सब बच्चे मतलब क्या लेक्चर क्या ओपन डिस्कशन करेंगे मतलब तुम लोग कुछ बताना मैं कुछ तुमसे डिस्कस करूंगी बच्चों जेई मेन मार्च अटेम्प 2021 का क्वेश्चन सामने देखो कह रहे वन ये एंड के ए टू ये अच्छा मैंने कहा जानते हो मैंने कहा जो भी हो अप, अपने को क्या लिख लो एच प्लस प्लस एच एस ओ थ्री माइनस भैया जी ने के वन देख रहे हो क्या दिया हुआ है into 10 रेस minus 2. देख रहे रहे हो फिर कह रहे के टू भी दे रखा तो है तो ये डिसोसिएट होगा एच प्लस एक्वस प्लस एसओ थ्री टू माइनस एक्वस के टू की वैल्यू देखना जरा सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन रेसो दिपार माइनस एट इसका मतलब समझ रहे हो इतनी कम वैल्यू के ए टू का मतलब होता है कि भाई सब ये रिएक्शन ना के बराबर हो रही है ना के बराबर है समझ गए पहली रिएक्शन होगी दूसरी तो बिल्कुल ना के बराबर है आगे देखो कह रहे द पी एच ऑफ जीरो पॉइंट फाइव एट एट मोलर एच टू एसओ थ्री सोल्यूशन ने ये दे रखा भैया ने कह रहे ये है जीरो पॉइंट फाइव एट एट मोलर इसका पीएच बता दो अब देखो कई बार वो कहते हैं ना लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग कई बार महान बच्चे क्या करते हैं देखो मैम पॉइंट फाइव एट एट मैम ये कुछ नहीं मैम ये कुछ नहीं पहले मैं स्टेप नंबर वन बता रही हूं ये गलत तरीका है बट स्टिल बच्चे करते हैं फिर मैम टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे ना मैम ये पॉइंट फाइव एट एट में से कुछ टूटेगा ये बनेगा मैम ये बनेगा फिर मैम आपने सिखाया था ये एक्स बना है ये एक्स है मैम ये कुछ नहीं तो मैम ये एक्स माइनस वाई होगा मैम ये एक्स प्लस वाई होगा ये वाई होगा मैम साइमल्टेनियस इक्वलिब्रियम लगाएंगे पता नहीं क्या क्या करेंगे पता नहीं फिर इससे सॉल्व करेंगे पहले एक्स और वाई की इक्वेशन इससे सोल्व करेंगे एक्स और वाई की इक्वेशन तुम्हें लगता है जई मेन वाला तुमसे इतनी मेहनत कराएगा जहां जई मेन वाला ये क्वेश्चन देता है कि इसका ब्रॉन्स्टेड इसका कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बना वो इतना तो तुमसे नहीं करवाने वाला वैसे भी खुद से सोचो कि ये जो सेकेंड डिसोसिएशन दे रखा है ना ये बहुत वीक है तो ये जितना भी H प्लस आएगा ना ये ऊपर वाली इक्वेशन से ही आएगा Y तो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा मैंने कहा गोली मारो यार। गलत आएगा आंसर तो हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे कि गलत है तो क्यों है बाकी पहले तो तुम मान के चलो कि दूसरी इक्वेशन से कोई एच प्लस आने जाने वाला नहीं है जो भी एच प्लस आएगा पहली इक्वेशन से आएगा अब लगाओ अब लगाओ के ए की वैल्यू के कितना होता है इक्वल आएगा एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बायो पॉइंट फाइव एट एट माइनस एक्स अब बच्चों जितना मेरा कैलकुलेशन कह रहा है ना ये वैल्यू टेन माइनस टू है तो बहुत कम वैल्यू नहीं है कि आप इस एक्स को नेग्लेक्ट कर लो फिर भी अगर आप एक्स को नेग्लेक्ट करना चाहते हो आप एक्स को नेग्लेक्ट करके देखो है ना आपका जो एक्स आएगा ना फाइनली जब एक्स स्क् सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू काफी बड़ी आएगी तो मतलब यहाँ पे नेग्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगी एक बार इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो तो जब क्वाड्रेटिक बनाओगे तो जितना मेरे पास है ये बन रहा है ये बनेगा लगभग हंड्रेड एक्स इससे हंड्रेड को प्लस करोगे ना तो लगभग लगभग वैल्यू आ रही है जीरो पॉइंट नाइन वन एट सिक्स देखा तो यही से समझ आ गया कि ना 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 एक्स को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए था मतलब देखना जीरो पॉइंट फाइव एट एट के कंपैरिजन में जीरो पॉइंट जीरो नाइन वन एट सिक्स को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना जीरो पॉइंट जीरो नाइन वन एट सिक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ये जीरो पॉइंट फाइव है जीरो पॉइंट वन है नेगेलेक्शन पॉसिबल ही नहीं तो इसीलिए यहां पे आपको वापस क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा और अगर पी एच निकालोगे तो पीएच की वैल्यू मेरे ख्याल से आ जाएगी फाइनली वन माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कर देना तो माइनस लॉग ऑफ दिस वैल्यू आंसर आ जाएगा वन समझ रहे हो अब मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था कि मैम ये तो ना बड़ा बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है हमसे तो देखो हो नहीं पाएगा नहीं था ना नॉर्मल क्वेश्चन था बस डरना मत ये मत सोचे जाओ आइनिक का क्वेश्चन है मैम ऐसे पॉली बेसिक एसिड का क्वेश्चन है तो नहीं होगा वो तो उसने वैसे ही नेग्लेक्ट कर दिया ना ये क्वेश्चन किसका बना पीएच निकालना है सिंपल पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दो उसके बाद पीएच ले लो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस ये दो छोटे छोटे फॉर्मूला लगा के करना था ठीक है ये दो हजार इक्कीस का मैम इंटीजर टाइप क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर अप्रोक्सीमेशन के बाद सही आ रहा है या नहीं 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 मैं ये कह रही हूं। उसमें इंटीजर टाइप हो ना उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स की वैल्यू ठीक है समझना एक्स की वैल्यू जब आप सोल्व करोगे ना मान लो पहले आप एक्स को नेग्लेक्ट कर दो एक्स को नेग्लेक्ट कर दो करके देख लो बेशक सारे बच्चे करके देख लो एक्स को नेग्लेक्ट करो तो ये एक्सक्वेर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस आ गया तो जब आप एक्स की वैल्यू यहां से निकालोगे ना वो लगभग लगभग जीरो पॉइंट जीरो नाइन वन एट सिक्स लगभग लगभग आई आप बेशक करके देख लो अब आप सोचो ये जीरो पॉइंट वन है या जीरो पॉइंट वन को जीरो पॉइंट फाइव के टर्म्स में नेग्लेक्ट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता ना बच्चों फाइव में से वन को नेग्लेक्ट कर फाइव और वन में से वन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना सिमिलरली फाइव माइनस जीरो पॉइंट जीरो 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 वन में नेग्लेक्शन पॉसिबल है तो यहां पर जो आपने नेग्लेक्ट किया था वो गलत था तो इसका मतलब नेगलेक्शन नहीं करनी चाहिए थी क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना चाहिए था अब हमारा आंसर ये आया आपका यही होना चाहिए कि पहले आप नेगलेक्ट कर लो फिर जब नेगलेक्ट करा उसके बाद देखो कि अरे ये तो नेगलेक्शन करने से गलत आंसर आ रहा है मैक्सिमम केसेज में नेगलेक्शन इज ओके बट नॉट इन सच केसेज जहां पर वैल्यूज बहुत क्लोज है समझ गए कैलकुलेशन था और कुछ नहीं हाँ कैलकुलेशन से थोड़ा डरना नहीं चाहिए है ना कैलकुलेशन से डरना नहीं चाहिए कैलकुलेशन से डर गए तो यहीं पर मतलब समाप्त हो जाते हो कैलकुलेशन से घबराना नहीं है बच्चों नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू वन अनदर टॉपिक जिससे हमारे कई महान महान बच्चे ऐसे डरते हैं कि भाई मैम ये सोल्ट हाइड्रोलिसिस तो हो ही नहीं पाएगा जेई मेन में, में क्वेश्चन आएगा सिंपल एडवांस का क्वेश्चन आता है अच्छा है ना मेन का क्वेश्चन आता है सिंपल तो टॉपिक छोड़ के जाने लायक नहीं बहुत है बहुत आसान टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ बच्चों हाइड्रो का मतलब पानी lysis का मतलब तोड़ना है ना का मैं मतलब समझाती आपके पास एक सॉल्ट है सॉल्ट कैसे बनता है एसिड और बेस ने रिएक्शन किया होगा सॉल्ट बन जाएगा अब आपको उस सॉल्ट को पानी में डालना है ठीक है आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नमक है नमक को पानी में डाला अब बताओ पानी नमक वाले पानी का पीएच कितना ठीक है कल को बोलेगा सोडियम एसीटेट एक सॉल्ट है उसको पानी में डाला बताओ उस उस सॉल्यूशन का पीएच कितना केवल इतना ही पूछेगा चार प्रकार के हमारे सॉल्ट्स हैं चारों प्रकार के सॉल्ट्स को एक एक करके पानी में डालेंगे सॉल्ट्स टूटेंगे आपको ये बताना है कि पानी में जाने के बाद उनका फाइनल एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन या पी एच कितना आ रहा है मैं थोड़े अपने स्टाइल से समझाती हूँ टू मेक द थिंग वेरी ईजी फॉर यू ध्यान से समझ समझना आपके पास एक सॉल्ट है जिसका नाम है एन आपने इसको पानी में डाला तो सॉल्ट तो पानी में हंड्रेड परसेंट टूटेगा क्या बन जाएगा एन ए प्लस एक्वस प्लस सी एल माइनस एक्वस अब बच्चों ध्यान से देखो आपको पता है ये जो एन ए प्लस है ना ये स्ट्रोंग बेस का कॉम्पोनेंट है NaOH का कॉम्पोनेंट है ना ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्पोनेंट होते हैं ना ये बहुत शरीफ होते हैं जैसे एन ए प्लस से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए NaOH एच एनए एच स्ट्रांग है तो आप देखो एनए प्लस एकदम साधु महात्मा की तरह पानी में जाके आराम से बैठेगा कोई किसी को तोड़ेगा ओड़ेगा कुछ नहीं किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा सिमिलरली सी एल माइनस ये बहुत ही शांत शांत स्वभाव का क्यों क्योंकि सी एल माइनस को सोचते ही दिमाग में क्या चलना चाहिए एच सी एल एच सी एल स्ट्रांग है स्ट्रांग एसिड से आने वाला एनायन स्ट्रांग बेस से आने वाला केटायन ये शरीफ कैटेगरी में आते हैं ये पानी के पानी में जाने के बाद कुछ नहीं पानी के साथ छेड़खानी करते पानी पानी में गया डुबकी मारी दैट्स इट के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेगा पानी को जरा सा भी छेड़ेगा नहीं ठीक है तो डालने डालने से minus डालने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो अगर पहले भी पानी न्यूट्रल था तो नमक डालने के बाद भी पानी कितना रहेगा न्यूट्रल पानी का पीएच कितना रहेगा सेवन नमक डालने के बाद भी पानी का पीएच कितना रहेगा सेवन अब मैं समझाती हूँ कहानी भाई साहब अब है कहानी ये तो समझ आ गया सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट पानी में डालने के बाद पीएच क्या न्यूट्रल रहता है चेंज नहीं होता अब समझना मान लो मैंने एक सॉल्ट लिया वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनकर बना है ध्यान से सुनो कैसे पता चलेगा मैम वीक एसिड स्ट्रोंग बेस का सॉल्ट है आप एक काम करो सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए को कंसीडर करो बच्चों बड़े ध्यान से देखना सी एच थ्री सी ओ एन ए को कंसिडर करो ये किस किस -kis का है ये वीक एसिड है एसिटिक एसिड ये बेस यह -E से है ये देखो, ये है, ये देखो बेस है है वीक एसिड तो मैं आपको पहले तो शॉर्टकट बताती हुँ. जो है ना वो जीतेगा मतलब पानी में जाने के बाद ये बेसिक सॉल्यूशन का होगा ये कौन सा सॉल्यूशन होगा बेसिक एक वीक एसिड है स्ट्रॉग बेस है जो स्ट्रॉन्ग है वो जीत जाएगा तो पानी में जाने के बाद सॉल्यूशन क्या बेसिक पहला स्टेप क्लियर हो गया अब देखो अगर क्वेश्चन आया तो इसमें हम करेंगे कैसे ध्यान से देखो सी एच थ्री सी ओ एन ए को पानी में डालो बच्चों ये क्या बनेगा सी एच थ्री सी ओ माइनस एन ए प्लस क्या एन ए प्लस शरीफ खानदान का है बिल्कुल शरीफ खानदान का है स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता है ये क्या है श री फ पानी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा बट बच्चों ये जो एसीटेट है ना गरीब खानदान का है। डोंट टेक इट अदरवाइज है ना मतलब खराब खानदान का आप ये मान लो ठीक है अब ये पानी के साथ छेड़खानी करेगा अब ये देखो CH3CO- भाई सब पानी के साथ छेड़खानी कर रहा है पानी को कह रहा है मुझे अपना H+ दे दे पानी भी बेचारा इसके सामने कुछ बोल ना पाया इसने अपना H+ दे दिया क्या बन गया एसिटिक एसिड और क्या निकला OH- देखना पहले जो पानी न्यूट्रल हुआ करता था अब उस पानी से एक्स्ट्रा ओ OH एच माइनस निकला तो क्या इतनी बात सबको समझ आ रही है कि सॉल्यूशन फाइनली क्या हो जाएगा बेसिक क्योंकि पहले पानी में एच प्लस और ओ एच माइनस सेम थे अब एसिटेट आयन ने पानी के साथ छेड़खानी करी पानी का एच प्लस तो चुरा के ले गया मगर ओ एच माइनस फ्री छोड़ दिया और ओ एच माइनस के फ्री होने की वजह से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेसिक समझे हो इसी टर्म को बच्चों बोलते हैं Hydrolysis. Hydrolysis. Hydrolysis मतलब जैसे पानी का टूटना। अब इसी को हमें लिखना चाहिए। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगी ना उसी को मैं बोल दूंगी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट समझे हो इसको क्या लिख देंगे के एच और बच्चों अब मेरा है ना वैसे तो अगर मैंने बाउंस बैक में एडवांस का समझाया था ना बच्चों बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया था बट बच्चों मेन के लिए इतना याद नहीं रखना मेन के लिए शॉर्टकट बता रही हूं देखना हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को हम कैसे किसकी टर्म्स में सॉल्व करते हैं एक तो होता है बच्चों के डब्ल्यू ये तो अभी मैंने समझाया इसको बोलते हैं आइनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, है ना जो वीक है ना उसका के नीचे लिख दो वीक कौन है एसिटिक एसिड तो नीचे लिख दो के ए किसका एसिटिक एसिड हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट को कैसे लिखेंगे कहां से आया बच्चों इसकी डेरिवेशन मैंने बाउंस बैक में कराई थी है ना इसकी डेरिवेशन हमने बाउंस बैक में करी है बट बच्चों अभी क्रैश कोर्स में करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा ये पहला में फॉर्मूला पूरी आयनिक में पहला फॉर्मूला बोल रही हूं ये याद रखो पहला ये लिखना आना चाहिए इसमें रट्टा नहीं मारेंगे नो रट्टा यहां रट्टा नहीं मारोगे यहां रट्टा मारे तो तुमसे सॉल्व नहीं होंगे बट ये यस यू कैन रट्टा फाइ दिस मैं बोल रही हूं बच्चों ये डायरेक्टली अगर याद होगा तो काम आपका काफी आसान हो जाएगा पेपर में डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है ये आ, हमारी चैट्स में पहली बात तो जो लोग गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं बच्चों मुझे वैसे ही बहुत घिन मचती है ऐसे लोगों से है ना और तुम जैसे बच्चे है ना जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं जो अभी कॉलेज तक के जिन्होंने दर्शन नहीं करे अगर अभी से तुम गालियां दोगे तो सोचो चार साल बाद ना तुम अपने मम्मी पापा को फेस नहीं कर पाओगे अपनी बहन के सामने कुछ बोल नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे मुंह से केवल गालियां ही निकलेंगी ठीक है तो ट्राई टू हैव अ कंट्रोल ऑन योर थोड़े एटिकेट्स होने चाहिए एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर मैं यहाँ पर दो घंटे हो गए मुझे कंटिन्यूसली बिना रुके बिना थके तुम्हें तो पढ़ा रही हूँ अच्छा मेरी भी मतलब अगर किसी की कदर नहीं कर सकते तो प्लीज अपनी फैमिली का यहाँ पर बैकग्राउंड खराब मत करवाओ ये बहुत बुरा है गालियां तो देनी ही नहीं चाहिए यूजिंग एब्यूजिव वर्ड्स इज अ रियली बैड थिंग ट्राई टू अवॉइड दैट ठीक है चाहे गाने में कोई गाली क्यों ना हो बट मेरी क्लास में गालियां नहीं होनी चाहिए ठीक है नॉट इवन अ बैड सॉन्ग नॉट इवन अ बैड लिरिक इन माई क्लास दैट सेट बात खत्म ठीक है मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी उसी टाइम में क्लास से चले जाऊंगी अगर तुमने गालियां दे दी बातें करते हो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता बट तुम गालियां लिखते हो ना तो आई रियली फील अशेम मतलब लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि क्यों पढ़ा रही हूं मैं ऐसे बच्चों को ठीक है गालियां तो लिखना मत बहुत सुन लोगे मेरे से नहीं तो ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूं ना जाके किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख लो अगर किसी ने तुम्हें एकदम प्रिसाइज तरीके से बता रखा हो मैं हर चीज करा रही हूँ बिकॉज मुझे पता है इनसे क्वेश्चंस आते हैं हाली दो 2021 में नहीं बीस उन्नीस अट्ठारह पेपर उठा के देख लो हर चीज जो जो पेपर में पूछी हुई है ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सब कुछ सिखा रही हूँ तो कुछ तो वैल्यू करो यार सब फ्री की चीज है बस वैल्यू नहीं करते हो यही मैं अगर प्लस पे पढ़ा रही होती ना तो तुम साठ हजार रुपए दे के प्लस पे पढ़ने आते सेम चीज यहां पर पढ़ा रही हूँ तो डजन मीन की गलत पढ़ाऊंगी या मतलब खराब पढ़ाऊंगी तो ट्राई टू रिस्पेक्ट वर्क गालियां तो लिखना मत क्लास में अच्छा देखो स्ट्रांग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया वीक एसिड स्ट्रांग बेस हो गया अब मैं एक चीज सिखाऊंगी वो तुम खुद से करोगे टेंशन नहीं लेनी है खुद से करोगे ठीक है हम एक सॉल्ट लेते हैं पहचानना एन एच फोर सी एल बच्चों एक सॉल्ट है एन एच फोर सी एल को पानी में डाला क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ पीएच कितना ये ही सब पूछता है इससे ज्यादा नहीं पूछेगा कहेगा पीएच कितना मैंने कहा कोई नहीं टेंशन नहीं लेनी है पहले पहचानो एन एच फोर सी एल कहाँ से आया होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बच्चों ये क्या है वीक बेस और Cl एल माइनस कहाँ से आया होगा एच सी एल से ये क्या है स्ट्रोंग एसिड समझे तो इतना समझ आ गया कि मैम ये जो सॉल्ट है वो वीक बेस प्लस सॉल्ट स्ट्रोंग एसिड का सॉल्ट है इतना तो क्लिक कर गया होगा वीक बेस स्ट्रोंग एसिड का सॉल्ट है ठीक है अब मैंने कहा मान लो पानी में गया तो बच्चों ये तो एकदम शरीफ खानदान से बिलोंग करता है स्ट्रॉन्ग वाले शरीफ खानदान से हैं तो Cl माइनस पानी के साथ छेड़खानी नहीं करेगा भाई साहब ये जो NH4+ आया ना ये थोड़ा मतलब चंट है है ना ये पानी को जाके ऐसे करेगा आ, आ, श्च, श्च, पानी पानी है ना वो कहेगा क्या है भाई ये कहेगा पानी OH- दे दे H+ थोड़ी ना मांगेगा कहेगा OH- दे दे पानी बेचारा कुछ नहीं कहेगा शरीफ ये जाकर के OH- ले लेगा पानी से और पानी के पास क्या बच जाएगा H+ देखना बच्चों बड़े ध्यान से पहले पानी पानी था अब पानी के अंदर से H प्लस फ्री हो गया OH एच माइनस कैप्चर हो गया OH एच माइनस को किडनेप करके ये ले गया मगर H प्लस फ्री हो गया तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या कहलाएगा एसिडिक और अगर इतना दिमाग नहीं लगाना तो जो स्ट्रॉन्ग है ये वीक बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या एसिडिक इस इक्वेशन का के इक्विलिब्रियम उसको क्या लिखेंगे हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट ये याद रखना है हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट कैसे लिखते हैं के डब्ल्यू जो वीक है उसका नीचे डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक क्या था बेस तो नीचे आ जाएगा केबी किसका केबी कंफ्यूज मत होना किसका केबी ये जो वीक है ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड के केबी समझे हो किसका केबी जो वीक है उसका केबी क्लियर है क्लियर है क्लियर है सबको अच्छे से यहां तक समझ आ गया ये चीज आई होप अच्छे से सबको क्लियर होगी होगी दूसरा फॉर्मूला जो मैंने कहा याद रखो दूसरा फॉर्मूला जो याद रखना है ये आना चाहिए बट ये याद रख सकते हो अब बच्चों लास्ट चीज जो मैं बताना चाहूंगी यहां पर हाइड्रोलिसिस के लिए आपसे जेई वाला ये पूछता है कि बताओ अगर मैंने सी एच थ्री सी ओ एन एच फोर ले लिया अब बताओ क्या ये वीक एसिड है हां जी क्या ये वीक बेस है हां जी तो क्या ये वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट हुआ हाँ जी बच्चों इसके लिए तो मैं बोलती हूँ इक्वेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए हाँ जी बच्चों मैं बोल रही हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पर रटा हुआ होना चाहिए आई एम बींग वेरी 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 क्लियर और जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है H प्लस का डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बताओ या पी एच बताओ या पी ओ एच बताओ या ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बताओ तो H प्लस का फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के ए डिवाइडेड बाई के बी ये फॉर्म्यूला एक आपको याद रखना है तीन फॉर्मूला मैंने बताया आपको जो आपको डायरेक्टली दिमाग में रखने हैं ऐसे रख लो डब्ल्यू ए बी है ना या ए डब्ल्यू बी कैसे भी लिख लो मतलब कैसे भी लिख लो ऊपर के डब्ल्यू इंटू के ए बाई नीचे क्या आना चाहिए के बी के डब्ल्यू इंटू के बाई के बी ये तीन फॉर्मूला मैं आपको बोल रही हूँ बच्चों याद रखने हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं देखो वीक एसिड होगा तो उसका के से खेल, खेल खेलते हैं वीक बेस होगा तो के बी से वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा तो के एच के एच क्या होता है के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जो वीक है के हैोंग एसिड वीक बेस के लिए क्या लिखेंगे के एच के एच कैसे निकालेंगे के डब्ल्यू बाय जो वीक है के बी समझे और वीक एसिड वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट होगा उसको पानी में डालेंगे डायरेक्टली एच प्लस इस फॉर्मुला से आएगा ये हर बार मैं बोलती हूं मैंने बाउंस बैक में भी बोला था याद रखो मैंने लास्ट ईयर जो क्रैश कोर्स लिया था उसमें भी बोला था याद रखो जेई मेन 2020 में 21 में स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे हैव आस्ट दिखाऊं क्वेश्चन टेक योर टाइम ये कर रखा है इसकी टेंशन मतलब थियरी लिख रखी है जयमेन दो हजार का क्वेश्चन बच्चों टाइम लो और आंसर करके दिखाओ टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर अच्छा अच्छा हाँ इसायक न्यूटन कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है ना कोई बात नहीं कोई नहीं कोई नहीं बस आगे से ध्यान रखना है ना आगे से कोई गंदा लैंग्वेज कोई गंदा वर्ड मेरी क्लास में नहीं यूज़ करेगा कोई बच्चा भी ठीक है और तुम तो यार रेगुलर बच्चे हो तुम तो रोज आते हो तुम्हें तो पता ही है मैम का मैम प्लीज बता दो ऑर्गेनिक के स्कोरिंग चैप्टर्स दीपेंद्र सिंह अभी मैंने तीन सौ क्वेश्चन के स्पेशल क्लास में वो तो करके ही जाओ उनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे तीन चार क्वेश्चन ऑर्गेनिक के डायरेक्टली उनमें से आएंगे तीन चार भी क्यों ज्यादा एक नॉमिन क्लेचर का आएगा दो जीओसी से आएंगे दो आइसोमैडिज्म से आएंगे पांच छह क्वेश्चन तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे और वो बेसिक क्लियर होगा तो आगे जाके ऑर्गेनिक में क्वेश्चन uh, सॉल्व भी कर पाओगे चलो 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 जल्दी जल्दी और दो घंटे होने वाले हैं अभी हमारे दो टॉपिक बचे हैं कोई बात नहीं पांच पांच दस मिनट और पढ़ा दूंगी ठीक है पहले ये कर लो पांच दस मिनट और पढ़ा दूंगी पहले ये कर लो क्या बचा मेरे ख्याल से बफर बचा है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट बचा है बता देती हूँ है, ये इजी, है, इजी टॉपिक्स बचे हाँ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट बच्चों बहुत काम की चीज है करके देखते हैं आंसर आ गया काफी बच्चों का वेरी गुड सेवन पॉइंट टू फोर जिनका आ रहा है सही है रहे द पीएच ऑफ अमोनियम फॉस्फेट क्या निकालना है पीएच किसका निकालोगे अमोनियम अमोनियम होता है एनएच फोर प्लस फॉसफेट पीओ फोर थ्री माइनस तो ये तो सॉल्ट हो गया एन फोर होल थ्राइस पीओ फोर यह सॉलिड है सॉल्ट है ठीक है इफ द पीके ए ऑफ फॉस्फोरिक एसिड अच्छा देखो कई बच्चों को लगता है हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रॉग एसिड है वीक एसिड है उसने खुद ही दे दिया एसिड पी के ए रखा है और ये क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एन एच फोर ओ एच का पी के बी कितना फाइव पॉइंट टू थ्री एंड फोर पॉइंट सेवन फाइव रेस्पेक्टिवली पी एच पूछा मैंने कहा था वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट बारी बारी पेपर में पूछा जाता है क्या याद रखेंगे H+ प्लस की कॉन्सेंट्रेशन के डब्ल्यू इन टू के ए डिवाइडेड बाई के बी यू है दो ऑप्शन है या तो पहले पी के ए से के ए निकालो पी के बी से के बी निकालो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा लॉग एंटी लॉग वाली कहानी एक काम करना यहाँ पर दोनों जगह लॉग ले लो लॉग ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू लॉग ऑफ समय टू तो वो क्या आ जाएगा वन बाई टू लॉग ऑफ क्या मैं लिख दू के डब्ल्यू प्लस के ए माइनस है ना के डब्ल्यू प्लस के ए डिवाइडेड बाई अरे यार log of kw into ka by kb सिंपल ये लिख दूं पहले ये लिख दो इसमें कोई टेंशन तो नहीं है अब दोनों साइड माइनस ले इसको लिख दूं मैं हाफ क्या लिखूंगी log of kw प्लस log of ka माइनस log of kb ये लिख दे और ये हो क्या हो गया log of h प्लस फिर नेगेटिव ले लो बोथ द साइड्स ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये हो जाएगा पीएच ये क्या होगा माइनस हाफ ठीक है माइनस बाहर ले लो अब ये क्या हो जाएगा ये हर जगह माइनस माइनस कर दो आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व कर लोगे कोई टेंशन तो नहीं है ये कर लोगे माइनस लॉग ऑफ के, के डब्ल्यू फोर्टीन हो जाएगा तो माइनस को बेशक अंदर ले जाओ हो जाएगा बस डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी आंसर आ जाएगा ठीक है इस एक्ट न्यूटन स्पैम मत करो इट्स ओके है ना डोंट वरी इट्स ओके ठीक है ये सॉल्व कर लेना ये सिंपल कैलकुलेशन है ठीक है जेई मेन दो हजार इक्कीस का इक्विल बच्चों अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो तुम एक ही जगह फंसोगे वो है कैलकुलेशन जब तो कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी तो पूरी कहानी खत्म और अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी सहन कर ली मैथ्स का थोड़ा सा पार्ट सहन कर लिया तो केमिस्ट्री को बदनाम तुम नहीं करोगे ठीक है सो बच्चों नाउ लेट मी टीच यू द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ टूडे सेशन इस टॉपिक का नाम है बफर सॉल्यूशन मुझे पांच दस मिनट बफर सॉल्यूशन टॉपिक पे लगेंगे और पांच दस मिनट शायद लगेंगे स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट पे एंड द होल चैप्टर विल बी ओवर बच्चों बफर सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें अगर आपने थोड़ा सा अमाउंट यू आर एडिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस या फिर आप थोड़ा सा डाइल्यूशन करते हो ठीक है और ऐसे सॉल्यूशन में पीएच चेंज नहीं होता द सोल्यूशन विच आर रेजिस्टेंट टू द चेंज इन पी एच ऑन एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस और अपॉन डाइलूशन ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं बफर सोल्यूशन बच्चों बफर solution हमारे दो प्रकार के होते हैं प्रकार टू तो पूरी दुनिया पढ़ाती है प्रकार वन मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये जेई मेन में पूछा गया क्वेश्चन है लो प्रकार वन जो है जेई मेन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है बहुत प्यारा सबसे पहले लेट मी टेल यू अभी अभी जो हम वीक एसिड प्लस वीक बेस के सॉल्ट बनाकर आए हैं ना बच्चों ये बफर होते हैं वीक वीक एसिड और वी, वीक बेस का जो सॉल्यूशन होता है ना ये बफर सॉल्यूशन होता है मैं एक एग्जांपल बताऊं जैसे सी एच थ्री सी ओ ओ एन एच फोर ये एक बफर सॉल्यूशन है अब ये बफर की तरह कैसे एक्ट करता है वो हमें डिटेल में नहीं जाना अभी पहचानना सीखो कि बफर कौन होता है इतनी डिटेल मेन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है बस पहचानना सीखो यही पूछा जाता है इनमें से कौन सा बफर है या कौन सा बफर नहीं है तो पता होना चाहिए वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्यूशन हो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट सॉल्यूशन जो होगा है ना वो बफर सॉल्यूशन होगा ये समझ आया अब समझो भाई दूसरी चीज ये बड़ी प्यारी है इसको इसको बोलते हैं सिंपल बफर दीज आर सिंपल बफर एक होते हैं बच्चों हमारे मिक्स्ड बफर आधे बच्चों को बफर का मतलब ही पता लगता है मैम मिक्स्ड बफर सिंपल बफर बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेन 2019 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था ध्यान से देखना ध्यान से देखो मैंने ना एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया क्या लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट ठीक है या तो मैंने वीक एसिड ले लिया या मैंने वीक बेस ले लिया क्या लिया मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट समझे पहली चीज क्या लेना है वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक एसिड या वीक बेस अब उसके साथ आपको क्या लेना है उसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट भाई जो वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका कॉन्जुगेट जैसे ये वीक एसिड है मान लो ये HA लिया तो आपको ले लेना है A माइनस जैसे ये वीक बेस है BOH तो आपको ले लेना है बी पॉजिटिव वीक एसिड लेना है और उसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस लेना है और उसी वीक बेस का कॉन्जुगेट बट बच्चों याद रखना है ये दोनों कंपैरेबल अमाउंट में लेने जरूरी हैं इनका अमाउंट लगभग 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 क्या होना चाहिए सेम। ये नहीं की, weak acid molar और conjugate जो उसका लिया वो molar. ना 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 comparable होना चाहिए ये तो ये चलेगा। ये ये तो चलेगा चलेगा के लेने हैं अब ये वर्ड जो कंपेरेबल है ना यही बच्चों को याद नहीं रहता वहीं पे मार्क खा जाते हैं 2019 में काफी बच्चों ने मार्क खाई थी तो वापस समझ लो उसी का ही कॉन्जुगेट वीक बेस और उसी का ही कॉन्जुगेट बच्चों कॉन्जुगेट से बफर बनाया जाता है एसिडिक बफर इसका मतलब यह नहीं है कि इसका पीएच सात से कम होता है यह सब गलत फहमिया नहीं पालनी है इसको बोलते हैं बेसिक बफर जो बफर वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट से बनाया जाता है दैट इज एसिडिक बफर जो बफर वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट से बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं बेसिक बफर यहां तक सारी चीज अच्छे से सबको समझ आ गई एग्जाम्पल के तौर पर देख लो एसिडिक बफर ये देखो, ये, ये देखो कहा गया मेरी स्लाइड एसिडिक बफर सी एच थ्री सीओ ओ एच प्लस सी एच थ्री सीओ ओ माइनस इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी वन तो इसकी सी टू तो C1 की वैल्यू लगभग लगभग C2 के इक्वल होनी चाहिए समझे ये एक बफर सॉल्यूशन है दूसरा बफर ये एसिडिक बफर है क्योंकि एसिड से बनाया गया है दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड C1 वन कॉन्सेंट्रेशन का एंड ले लो अमोनियम आयन अब अमोनियम आयन तो अकेला नहीं मिलेगा ना बाजार से कोई सॉल्ट लेना पड़ेगा अमोनियम क्लोराइड ले लो अमोनियम ब्रोमाइड ले लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी टू सीवन शुड भी लगभग लगभग इक्वल टू सी टू यह क्या हो जाएगा बेसिक बफर समझ आया तो एसिडिक बफर क्या होते हैं बेसिक बफर क्या होते हैं और वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट बफर की तरह कैसे रिएक्शन करता है इनको हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन, ठीक है बफर के क्वेश्चन में बच्चों डरना नहीं है ठीक है हाउ टू आइडेंटिफाई बफर वापस सुनो हाउ टू आइडेंटिफाई बफर वाले बच्चे वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट बफर है वीक एसिड वीक एसिड उसी का कॉन्जुगेट मगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन लगभग लगभग अब कई बच्चे बेचारे बफर सॉल्यूशन से इतना डरते हैं कि मैम इनको तो सॉल्व करना हमारे बस की बात ही नहीं है मैम हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों डरना नहीं है एक एग्जाम्पल देती हूँ ठीक है मान लो आपके पास वन लीटर एक्वस सॉल्यूशन है वैसे बफर का मैं क्वेश्चन अभी है मेरे पास ओके okay, अभी कराती हूं ठीक है मान लो आपके पास वन लीटर एक्वस सॉल्यूशन है ठीक है जिसके अंदर पॉइंट वन मोलर पॉइंट वन मोल एसिटिक एसिड दे रखा है सपोज करो आपके पास पॉइंट वन मोल एसिटिक एसिड दे रखा है और लगभग जीरो मोल या आप मान लो जीरो मोल सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए दे रखा है ठीक है और कोई आपको बोले इस बफर का पी एच निकाल के बताओ अरे अरे अर जैसी वर्ड आए ना बफर आधे से ज्यादा बच्चे यही खत्म कि मैम बफर के तो हमसे ना हो पाए बफर से डरो नहीं ये देखो एक चीज सिखाती हूँ पहले ये लिखना आता है वीक एसिड का लिख दोगे सी एच थ्री सी ओ एच टू फॉर्म सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस प्लस एच प्लस कोई टेंशन तो नहीं है टी इज इक्वल टू तो जीरो पे क्या दे रखा है जीरो पॉइंट वन नथिंग नथिंग टी इज इक्वल टू तो टी इक्विलिब्रियम पे क्या दे रखा होगा एक्स 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 इतना तो सिखाया था बचपन का प्यार है अब उसने कहा कि बाहर से एडिशनली सी एस सी ओ एन ए डाला है कितना जीरो पॉइंट टू तो यहां पर बच्चों चुपचाप से जीरो पॉइंट टू करो सॉल्व करो आंसर आ जाएगा दैट्स इट बफर का मतलब बफर डरना नहीं है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम किया था भाई जो बाहर से डाला है ये बात सबको अच्छे से समझ आई दिस क्लियर अब क्योंकि मैंने बफर का नाम लिया है तो बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिनको हम बोलते हैंडरसन इक्वेशन ठीक है equation, एक इक्वेशन होती है रेयर होता है कि जेई मेन वाला आपसे हेंडरसन इक्वेशन में डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा बट याद होनी जरूरी है डेरिवेशन मैंने बाउंस बैक में कराई है नॉट रिक्वायर्ड फॉर जेई मेन इक्वेशन ये कहती है कि अगर आपके पास एसिडिक बफर है एसिडिक बफर का मतलब फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी ओ ओ एच और सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन लगभग लगभग सेम तो ऐसे एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकालेंगे पी के ए प्लस लॉग ऑफ जो कॉन्जुगेट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई जो एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये जो कॉन्जुगेट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई जो एसिड है इसकी कॉन्सेंट्रेशन बेसिक बफर मैं आपको बताऊं नीट वाले होते हैं ना नीट वाले उनमें वो फॉर्मूला तक में सब्सटीट्यूट नहीं कराते हैं नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्टली द पीएच ऑफ एसिडिक बफर चार ऑप्शंस थे तो डायरेक्टली वैल्यूज पता मतलब फॉर्मुला पता होना चाहिए जुगेट बाई एसिड और अगर बेसिक बफर है तो पीओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बाई बेस मैम यूज कैसे करना है ये अभी मैं सिखा देती हूँ पहले क्वेश्चन सबको याद रह, याद रह जाएगी टेंशन तो नहीं है मैम आज बहुत हो गया प्लीज अरे अब लास्ट में मैं छोड़ूंगी नहीं भाई ना 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 लास्ट का टॉपिक है छोड़ना नहीं है तुम थक गयो बेशक बाद में देख लेना बट मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं बिकॉज ये ये वही वही हो जाता है यार कि हमने इतनी मेहनत कर ली बस लास्ट में आके बच्चे कह रहे थे मैम छोड़ दो फिर बाद में बहुत दुख होता है ठीक है ना 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 छोड़ा नहीं जाएगा एक क्वेश्चन करो पाँच दस मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे कोई टेंशन नहीं है आज तो फिजिक्स की क्लास भी नहीं है तुम्हारी मेरी हालत सोचो अभी मेरी सात बजे तुम्हारी क्लास खत्म होगी फिर ओपन हाउस फिर साढ़े सात साढ़े आठ तो मैं भी तो ले रही हूँ ना तुम तो बच्चे हो तुम्हें तो करना चाहिए जयमेन दो हज़ार इक्कीस का क्वेश्चन बच्चों टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर फिर लास्ट टॉपिक बचा है दो हजार इक्कीस का आंसर जल्दी से बताओ डरना नहीं है बहुत सिंपल है दिमाग लगाओ आंसर दो ये नहीं कि हम डर जाएंगे डरोगे तो वहीं पे कहानी क्या हो जाएगी खत्म डरोगे तो कहानी हो जाएगी खत्म बस लास्ट के एक टॉपिक बच गया डरना नहीं है भाई कर लो सॉल्युबिलिटी mm -hmm. कराऊंगी नहीं भाग रही हूं यार मैं कहीं नहीं जा रही हूं कराऊंगी 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 सॉल्युबिलिटी नहीं छोड़ेंगे नहीं हो रहा हमने ट्राई किया इन ऑर्डर प्रिपेयर बफर सॉल्यूशन एक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना फाइव पॉइंट सेवन फोर कह रहे है पीएच होना चाहिए सोडियम एसिटेट सी एच थ्री एन ए इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट इज एडेड टू एसिटिक एसिड दिख गया बफर है बफर दिख गया एसिड और उसका कॉन्जुगेट और कौन सा बफर है बच्चों एसिडिक बफर दिखाई देगा सबको हाँ जी क्योंकि एसिटिक एसिड में बनाया गया है बफर दिखाई देते ही दिमाग में ऐसे खुजली होनी चाहिए और लिख दोगे कि पीएच इज इक्वल टू पीके क्या सिखाए थे एंडसनस इक्वेशन पीएच इज इक्वल टू पीके ए प्लस लॉग ऑफ कंजुगेट बाय एसिड पीके ए प्लस लॉग ऑफ

5.74 4.74 log ऑफ ये हमको निकालना है ये वन दे रखा है अब बच्चों इसको सॉल्व करने में तो मुझे लगता नहीं है कि किसी को कोई टेंशन होगी आंसर आ जाएगा 10 मोलर x की वैल्यू आ जाएगी 10 मोलर आ गया समझ गए सब लोग ठीक है अब ये देख लो क्या ये क्वेश्चन ऐसा था कि मैम हमसे ना हो पाएगा बोला था ना सिंपल क्वेश्चन आएंगे बस तुम्हारे अंदर एक डर है कि बफर के क्वेश्चन नहीं होंगे मैम हमसे अभी डर है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन मैम हमसे नहीं होंगे बहुत टफ होते हैं जबकि सबसे सिंपल टॉपिक्स ये लास्ट वाले होते हैं शुरू शुरू वाले टॉपिक फिर भी मैं कहती हूं मुश्किल है बट लास्ट वाले टॉपिक्स अलग लेवल के सिंपल होते हैं अब ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट बच्चों अपना लास्ट टॉपिक बचा है इसमें से भी तुम्हारे अंदर जो डर है ना उसको मैं निकालती हूँ तुम देखो सुनना मेरी कहानी सुनो आपको पता है वैसे तो बड़े सारे जो सॉल्ट होते हैं हम मान के चलते हैं बच्चों लास्ट टॉपिक है ध्यान से समझना वैसे हम मान के चलते हैं कि हमारे जितने भी सॉल्ट होते हैं ना ये ऑलमोस्ट हंड्रेड पानी में आयोनाइज हो जाते हैं ठीक है जैसे वीक एसिड वीक बेस का तो भी हंड्रेड परसेंट आयोन स्ट्रॉग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वीक एसिड स्ट्रॉग बेस सारे हंड्रेड परसेंट आयोनाइज मानते हैं बट कुछ ऐसे हमारे सॉल्ट होते हैं जिनको बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इनऑर्गेनिक में जिनको हम इन सोल्यूबल सॉल्ट बोलते हैं ना उन्हीं को फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्पेरिंगली सोल्यूबल बोलते हैं कि ये बहुत ही कम लेवल में पानी में सोल्यूबल होते हैं ठीक है जैसे एक फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड ए इसको पानी में डालते हैं इनऑर्गेनिक में देखो तो हम बोलते हैं इनसोल्यूबल है बट पानी में डालते हैं ना तो कुछ ए पानी में सोल्यूबल हो जाता है मतलब इट विल फॉर्म ए जी प्लस एक्वस प्लस सी एल माइनस एक्वस तो बच्चों देर इज एन इक्विलिब्रियम विच इज एस्टैब्लिश्ड हम ऐसे लिखेंगे एजीसीएल सॉलिड को पानी में डालेंगे पानी लिक्विड है ये बनाएगा Ag प्लस एक्वस प्लस ये बनाएगा सीएल एक्वस अब बच्चों एक बात बताओ क्या मैं पानी में एजीसीएल की सोल्यूबिलिटी निकाल रही हूं जी तो इस रिएक्शन को मैं लिखूंगी के इक्विलिब्रियम एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड के लिए तो लगभग हम वन ही मान लेते हैं समझ रहे हो और इसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी के एस पी का मतलब है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ठीक है प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्युबिलिटीज ऐसे समझ लो ठीक है इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन ये आता है मान लो आपके पास एक सॉल्ट है ए एक्स बीवाई ना 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 इससे नहीं कराती इससे तुम डर जाते हो एक सॉल्ट है मान लो मैंने ले लिया ठीक है कोई भी एक सॉल्ट ले लो चलो यही ले लो फिर कहोगे मैम ने कराया नहीं ए एक्स बी वाई इसको पानी में डालोगे समझना बच्चों ये क्या देगा एक्स टाइम्स ऑफ ए और ये क्या होगा होगा तो इस पे वाई पॉजिटिव चार्ज और ये बनेगा वाई टाइम्स ऑफ बी ये एनायन होगा इस पे एक्स नेगेटिव चार्ज ये हमारा ए एक्स बी वाई एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है जिसको मैंने पानी में डाला ठीक है जिसको मैंने क्या किया पानी में डाला अब वो आपसे ये पूछता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ बच्चों सुनो कैसे करेंगे देखो चिल, चिल मार के नहीं है। लिखो, तो पे, वो दे रखा होगा कहेगा ये जीरो पॉइंट वन मोल है molar, जो भी दे रखा होगा लिख लेना ये हमें कुछ नहीं वो कहेगा मान लो एक्स की सोल्यूबिलिटी कितनी एस सोल्यूबिलिटी कितनी एस तो समझो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान से समझना अगर एक एस जितना टूटता है तो ये कितना बनेगा एक्स टाइम्स एस अगर एक वाई में टूटता है तो ये कितना बनेगा वाई टाइम्स एस बस इतना ही याद रखना है बच्चों केवल इतना ही कि सोल्यूबिलिटी दे रखी है एस सोल्यूबिलिटी एस तो ये कितना बनेगा एक्स टाइम एस वाई टाइम्स एस अगर मैं बोलू सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट लिखकर दिखाओ बच्चों तो क्या लिखेंगे ए प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों रेस टू दी करना मस्ट है बी माइनस की कॉन्सेंट्रेशन रेस टू दी दावर वाई स्टोशियोमेट्रिक रेस टू दी पावर करना इंपॉर्टेंट है बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में यही गलती करते हैं और बुरी तरह गिरते हैं जमीन पे मैं सही बता रही हूं शॉर्टकट के चक्कर में मत जाना बुरी तरह फंसोगे आंसर कितना आ जाएगा एक्स इंटू एस रेस टू दी दाई इंटू एस रेस टू दी दाई के एस पी की वैल्यू आ जाएगी एक्स रेस टू दाई रेस टू दी पार वाई एक्स रेस टू द्लस वाई अब ये कई बच्चों को समझ नहीं आएगा मैं मानती हूं क्योंकि मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से तुमको बताया अब मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूं एंड यू विल बी लाइक इतने आसान क्वेश्चन आते हैं विल डू टू क्वेश्चन बच्चों ठीक है दो क्वेश्चन हम करेंगे ठीक है दो क्वेश्चन हम करेंगे और देखते हैं कितने किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर जेई में आते हैं दो दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है जेई मेन दो हज़ार इक्कीस का फेब अटेम्प्ट का क्वेश्चन टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर कोई भी घबराएगा नहीं कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा अगर आपको खुद से पहली बार में करना नहीं आ रहा तो मैं करा देती हूं मुझे कोई टेंशन नहीं है चमक गया आ गया बढ़िया ये पीवाई क्यू है जेईमेन दो हजार इक्कीस का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है देखो जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं उनसे नहीं बना होगा तो देख लो द सोल्यूबिलिटी ऑफ सी एच टॉटर इज सोलिटी का मतलब एस पूछ रहे बट जो सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कितना मासोल्व हुआ पर लीटर ऑफ सोल्यूशन भाई एक लीटर में तुमने एक्स जैसे कहते हैं ना चीनी की सोल्यूबिलिटी पानी में कि एक लीटर पानी में तुम आधा किलो चीनी डिजोल्व कर सकते हो तो चीनी की सोलिबिलिटी हो गई फाइव हंड्रेड ग्राम्स डिवाइडेड बाई वन लीटर तो ग्राम्स पर लीटर में हम जनरली सोल्युबिलिटी देते हैं ठीक है कई बार मोलारिटी के टर्म्स में भी आप सॉल्युबिलिटी लिख सकते हो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है ठीक है कह रहे हैं द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अच्छा बच्चों ध्यान से देखना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को अलग से कंसीडर किया करो सॉल्युबिलिटी को अलग से तो पहले तो मैं इक्वेशन लिखूंगी मैंने कहा सब कुछ भूल जाओ लिखो Ca(OH)2 ये सॉलिड है इसको हम पानी में डालेंगे ये बनेगा Ca2+ aqueous 2OH- aqueous सबसे पहले तो यही लिखना सिखाया है आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए अब आप बच्चों मान के चलो कि सोल्यूबिलिटी कितनी है एस मान के चलो कि सोल्यूबिलिटी कितनी है एस तो यहां तो सॉलिड लिक्विड में कोई मतलब नहीं है तो ये कितना बनेगा एस ये कितना बनेगा बच्चों टू एस इतना समझ आया ये कितना बनेगा एस ये कितना बनेगा टू एस अब के एस पी का फॉर्मूला लिखो एस रेस टू दावर वन

ठीक है नहीं तो है <laughs> ना नहीं तो मैं स्पेशल क्लास में सिखा दूंगी अब ये क्यूब रूट लेना यहां पे मैं नहीं सिखा रही हूं समझो दिस इज क्लियर नाउ लेट डू लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो सिंपल सेम सेम क्वेश्चन है वो नहीं मैं करा रही हूँ जेई मेन दो हजार इक्कीस लास्ट क्वेश्चन है दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बच्चो टेक यूर टाइम एंड टेलमी द आंसर इसके बाद हम ओपन हाउस सेशन स्टार्ट करने वाले हैं विल बी स्टार्टिंग विद ओपन हाउस सेशन पहले यह क्वेश्चन कर लो लास्ट क्वेश्चन है टाइम लीजिए और आंसर करके दिखाइए कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा तुम्हें पता ही है जल्दबाजी करने का चक्कर ही होता है कि आंसर गलत आएगा क्या बात है ओपन हाउस में आने भी लग गए बच्चे हाँ ओपन हाउस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही है दे रखा है ठीक है वहाँ से ज्वाइन कर लो लास्ट क्वेश्चन है मैम आप जितनी प्यारी हो केमिस्ट्री भी उतना प्यार है हाँ बटर तो देखो अमूल का लगा रही है मैम बी एन सी फैमिली से अच्छा बोरोन एंड कार्बन फैमिली से मेंस में कितना इंपॉर्टेंट है आयुष कार्बन फैमिली से तो बहुत कम है बोरॉन फैमिली से फिर भी कुछ आ सकता है वो मैं कराऊंगी वो मैं कराऊंगी ग्रुप थर्टीन फोर्टीन मैं करा रही हूं, 15, 16, 17, 18 पारसर कराएंगे ठीक है चलिए बच्चों ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या दे रखा है के एस पी इसका पी बी आई टू का कितना एट इंटू टेन रेस टू दिपर नाइन बहुत कम है देख लो बहुत कम है अच्छा जैसे ही उसने पीबीआई टू सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दिया मैंने कहा चलो एक काम मुकाओ एक इक्वेशन तो लिखो क्योंकि सोल्यूबिलिटी का क्वेश्चन है इक्वेशन लिखने बिना करेंगे ही नहीं plus two minus जितना जितना वो कहता जाएगा उतना उतना मैं लिखती जाऊंगी अब कह रहा है द सोलूबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड कह रहा है सोल्यूबिलिटी निकालो इन पॉइंट वन मोलर सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इज दिस

तो ये Pb2+ कितना देगा 0.1 मोलर मैन का भैया हमसे हमसे मतलब खेलोगे यहां पर चुपचाप अच्छा ये तो आयोडाइड है इसको तो छोड़ो लेड में चुपचाप से क्या एक्स्ट्रा डाल दो 0.1 दैट्स इट इतना तो कर सकते हो इतनी पूरे इक्विलिब्रियम में यही सिखाया कि जहां पर दिखे उसमें ऐड कर देना कर लोगे अब कुछ नहीं बच्चों KSP लगाओ KSP कैसे लगाएंगे S 0.1 मल्टीप्लाईड बाय टू एस का होल स्क्वायर ये लिखना जरूरी है मैं डायरेक्टली कर रही हूं आप लोगों को ऐसा लिखना है नहीं तो फंसोगे पी बी टू प्लस की पावर वन आई माइनस की पावर टू ये लिख दिया करो अच्छा रहेगा ठीक है के एस पी कितना दे रखा बच्चों एट इंटू टेन पावर माइनस नाइन कहता क्वाड्रेटिक सॉल्व करो मैंने कहा अरे सुन भैया सुन तुम्हारा ये के एस पी पता है कितना है? टेन रेशो दी पर माइनस नाइन तो अगर ये डिसोसिएट होगा भी ना तो ये जो एस आएगा ना ये पॉइंट वन के कंपैरिजन में बच्चों बहुत कम आएगा मैंने क्वेश्चन को बनाओ आसान एस को करो गोली ये ये कितना आ गया फोर एस स्क्वायर सॉल्व करना एस की वैल्यू जितनी मेरे पास दे रखी है ना वो कितनी है वन पॉइंट फोर वन दी पर माइनस फोर एस की वैल्यू है

अपने अंदर का डर हटा लो मेन का हर क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा सेम अप्रोच यूज करनी है इन द एंटायर इन द एंटायर टॉपिक समझ रहे हो? सेम सेम अप्रोच ठीक है? चलिए सो so बच्चों यहाँ पर हम अपना ये सेशन वाइंड अप करते हैं अभी कई बच्चे चिल्ला रहे हैं मैम टाइट्रेशन नहीं कराया बच्चों टाइट्रेशन मैं आपको आयनिक में नहीं कराती हूँ ना ही मैंने आई थिंक बाउंस बैक में भी नहीं कराया था. टाइट्रेशन हम करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन तो अगला ही चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन वहां पर टाइटरेशन करेंगे तो चिंता ना करो टाइट्रेशन के ग्राफ इंडिकेटर सब हम कर लेंगे ठीक है इंडिकेटर वाले ज्यादा क्वेश्चन मेन में आते भी नहीं है ठीक है ना तो जो टाइट्रेशन के क्वेश्चन हैं वो ग्राफ वाले वो मैं अगले रिडॉक्स uh, में कराऊंगी वैसे भी टाइट्रेशन आर कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ठीक है तो वो वहां पर हो जाएगा ओके चलिए बच्चों थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन है ना एंड आई होप ये जो सेशन था आइनिक इक्विलिब्रियम इसने आ, इसने आपको काफ़ी कुछ सिखाया होगा आपका डर डेफिनेटली खत्म किया होगा ठीक है अच्छा बच्चों दो तीन छोटी छोटी अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे कर देती हूँ सबसे पहले आप अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर जाओ है ना मैंने आपके लिए ओपन हाउस सेशन स्टार्ट कर दिया है वहां पर अब तो हैंड रेस का फीचर है हर बच्चा हैंड रेस कर सकता है तो वहां पर जो भी आपको मेरे से डाउट्स पूछने हैं वहां पर आप आ सकते हो ठीक है एट द सेम टाइम बच्चों ठीक है आज लास्ट दिन है सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस जो कम हुए थे अगर आप में से कोई बच्चा ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है थीके? और अगर आप प्लान कर रहे हो तीन महीने का सब्सक्रिप्शन या फिर सिक्स मंथस का सब्सक्रिप्शन बच्चों बहुत सही ऑफर चल रहा है फोर्टी परसेंट डिस्काउंट आपको मिल रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने आज तक इतना ज्यादा डिस्काउंट होते नहीं देखा तो इफ यू यूज दिस कोड साक्षी आप डेफिनेटली ये जो अमाउंट है चालीस परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज कर रहे हो और ये आज रात तक ही वैलिड है ठीक है इसके साथ साथ जो बच्चे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हैं बच्चों आप लोगों के लिए ना मंजिल बैच चल रहा है हमारा ये मंजिल बैच मैंने चलाया था ठीक है ये हम तीन टीचर्स मेघा मैम कपिल सर और मैं है ना हम तीन टीचर्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ग्रेड इलेवेंथ पूरी की पूरी आपको कंप्लीट करा रहे हैं मार्च तक ग्रेड इलेवेंथ हो जाएगी फिर ग्रेड ट्वेल्थ अर्ली स्टार्ट करेंगे तो आप बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा ऑफर है आप ट्वेंटी परसेंट आपको डिस्काउंट मिल जाता है है ना अगर वन सेकेंड आप मेरा कोड यूज करते हो साक्षी बट अगर मान लो कल आपका प्लान बनता है सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए तो डिस्काउंट केवल टेन होगा सो दिस इज वैलिड ओनली टिल टूडे सो इफ यू आर इंटरेस्टेड मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी गाइड कर सकती हूँ आप लोग इंटरेस्टेड हो आप डेफिनेटली ये सब्सक्रिप्शन के ऑफर्स यूज कर सकते हो ठीक है एंड नॉट टू फॉरगेट वन मोर थिंग बच्चों सेवन थर्टी आई विल बी मीटिंग यू ऑल वंस अगेन इन द स्पेशल क्लास ठीक है फ्री क्लास है आपको कोड यूज करना पड़ेगा टू एनरोल फॉर दिस क्लास नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगी और यहाँ पर मैं आपको वो कुछ बातें बताऊंगी जिससे आप सी बी एस ई या फिर जो भी आपका बोर्ड एग्जाम है और उसको जेई के साथ पैरेलली कैसे मैनेज कर सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सो इट विल बी एन ओपन डिस्कशन आप बच्चे भी अपनी बातें शेयर कर सकते हो मैं आपको पढ़ाऊंगी आई I मीन mean, पढ़ाना क्या है मैं आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी प्रैक्टिकल जो पॉसिबल चीज़ें हैं वही बताऊंगी ठीक है और साढ़े आठ बजे हम एक और सेशन लेंगे जहां पर वी विल बी टिंग अबाउट की क्या हंड्रेड परसेंट सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है और अगर नहीं है तो क्या क्या करना चाहिए और अगर है या अगर नहीं है तो कौन कौन से चैप्टर्स आप छोड़ सकते हो या कौन से चैप्टर्स करके जाने चाहिए वेटेज वाइज मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगी तो दोनों स्पेशल क्लासेज अटेंड कर सकते हो एक एक घंटे की नहीं होंगी वील ट्राई टू कीप द डिस्कशन सिंपल एंड क्रिस्प जिसपे आपको मतलब कुछ ना कुछ कंक्लूड करने को मिल जाएगा ठीक है ओके okay. इसके साथ साथ बच्चों ये लाइव डेली डॉट मी स्लैश एटम इस पर मैं आपकी डीपीपी डीपीपी के सॉल्यूशन और आज की क्लास के नोट्स अपलोड कर दूंगी आप डेफिनेटली यहाँ पर जा सकते हो और अन अकेडमी एटम्स जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यहां पर मैं आजकल बहुत एक्टिव हूँ आप अपनी सारी चीजें यहाँ पर शेयर मतलब मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर शेयर करती हूँ ठीक है ओके हाँ जी तो बस नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इट इज अप टू यू आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है स्टडी प्लानर टेस्ट एनालिसिस स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको आइकॉनिक में मिलती हैं जो प्लस में कमी रह जाती है अदरवाइज अगर आप प्लस भी ले रहे हो इट इज गुड इट इज डिसेंट अनफ बट हाँ इफ यू आर अपग्रेडिंग इट टू आइकॉनिक तो आपको और पर्सनलाइज तरीके से पढ़ने को मिलता है बच्चों तो ये जो प्राइजेस है ना दीज विल बी इफेक्टिव फ्रॉम टूमोरो आज रात के एक बजे अगर कोई सब्सक्रिप्शन खरीदेगा तो आपको ये ज्यादा प्राइजेस देने पड़ेंगे बट अगर आप बारह बजे तक सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो मैंने आपको बताया अच्छा ऑफर चल रहा है है ना ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट हर सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा और जो थ्री और सिक्स मंथ्स का है उनपे फोर्टी परसेंट डिस्काउंट मिलता है तो अगर आप ट्वेंटी ट्वेंटी टू एस परेंट हो तो तीन या छह महीने का ले लेना सस्ता पड़ रहा है दस बारह हजार में आपका काम निपट रहा है विच इज ग्रेट ठीक है और ट्वेंटी वाले भी ले सकते हो क्योंकि ट्वेंटी डिस्काउंट मिल रहा है ठीक है आप अपने काउंसलर से भी बात कर सकते हो एंड नॉट टू फॉरगेट बच्चों ये अन अकेडमी लाइट सब्सक्रिप्शन दिस इज़ बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स जो अन अकेडमी पर यू नो दे आर लाइक कि मैम हमें थियोरी क्लासेस नहीं अटेंड करनी वी आर मोर इंटरेस्टेड फॉर यू नो टेस्ट सीरीज़ तो आप बच्चे टेस्ट सीरीज़ के लिए खरीद सकते हो ये तो बहुत ही सस्ता है देखना ज़रा पंद्रह सौ रुपये में तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने को मिलेंगे पंद्रह सौ तो तुम दो बुक्स भी लोगे ना ऑर्डर करो तो दो बुक्स भी नहीं आएंगी पंद्रह सौ में और ये तुम्हें ऑल द सब्जेक्ट्स के थर्टी थाउजेंड और एक्सपर्ट्स की क्लासेस साथ मिलती है टेस्ट टेस्ट लोगे टेस्ट जब हुआ उसकी एनालिसिस की क्लास होगी जो नहीं आया उसके प्रैक्टिस सेशन होंगे मतलब फिफ्टीन में यू गेट एवरी विच इज ग्रेट सिमिलरली सिक्स मंथ्स का भी आप जा सकते हो तीन महीने का ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री बच्चों के लिए अलग अलग है ठीक है एंड डोंट डोंगेट टू एनरोल फॉर द फ्री टेस्ट चाहे वो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो प्रोडजी हो आप डाउट्स भी पूछ सकते हो तो सो मेनी थिंग्स आर दर आप एक बार ऐप पर आओ आपको खुद एक्सप्लोर करने को मौका मिलेगा बहुत सारे नए नए बैचेस भी इंट्रोड्यूस हुए हैं ठीक है थीके? आज बच्चों फिजिक्स की क्लास नहीं है इसीलिए है ना आपका टाइम मतलब मुझे लगा कि आपका एक हैबिट बनी हुई है आप पढ़ते हो साथ आ, सात से सा नौ इसीलिए मैंने आपका एक छोटा सा सेशन प्लान किया है सो so, अब सब लोग मुझे डायरेक्टली स्पेशल क्लास में मिल जाना ये दो स्पेशल क्लासेज है ठीक है ओपन हाउस स्टार्ट कर रही हूँ सो so, चलते मिलते हैं ओपन हाउस में बाय बाय बच्चों